हेलो दोस्तों कैसे हो आप चलिए जैसे मैंने कहा था कि अब हमारा एक प्लान हमें बनाना जरूरी है एग्ज़ाम के पहले तो अब हमारा प्लान कुछ ऐसा होगा कि हम स्टार्ट करेंगे चार्ट रिवीजन से चार्ट रिवीजन में जैसे कुछ टॉपिक सी ए फाइनल और इंटर लेवल पे एग्जैक्टली सेम एग्ज़ाम्पल सप्लाई आर सी एम लेवी और जहाँ तक है थोड़ा बहुत पार्ट जो है हम देखेंगे तो वैल्यूशन और यहां पे आई का लेकिन सप्लाई ये चैप्टर जो है प्लस आरसीएम जो चैप्टर है ये चैप्टर जो सी फाइनल में मैंने लाइव क्लास लिया था यूट्यूब लाइव लिया था वही डिस्कशन में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं वही चार्ट रिविजन में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं तो अगले दो तीन दिन यानी संडे तक ओके okay, आपको सप्लाई का रिविजन उसके बाद में यहां पे आर का रिविजन कंपोजिशन लेवी का रिविजन ये पूरा चार्ट रिविजन जो है आपको आ जाएगा ठीक है तो ये चार्ट रिवीजन ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है जो लाइव सेशन है जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए लिए थे और वो आपके लिए रहेगा बिल्कुल यहाँ डरने की जरूरत नहीं कि सर फाइनल का इंटर इंटर को कैसे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं बेटा कि कुछ चैप्टर उतना ही डेप्थ में है जितना फाइनल लेवल पे एग्जांपल लो सप्लाई आरसीएम और कंपोजीशन लेवी तो ये जो है ये चैप्टर का जो रिकॉर्डेड सेशन है आपको दिया जाएगा फिर दूसरा हमारा प्लान ऐसे होगा बेटा कि यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्कशन मंडे से मैं लाइव यूट्यूब पे आऊँगा आपके चार्ट रिविजन तो चलते ही रह वो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे पर मैं लाइव यूट्यूब पे आऊँगा जहां हम हमारा क्वेश्चन या डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन एयर डिस्कशन में मैं लाइव आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी एंटरटेन करूँगा अगर मुझे रिलेवेंट लगे तो और मैं ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए कौन से पॉइंट्स पर आपने ध्यान देना चाहिए तो ये सभी बातों पर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा ही एमसीक्यू कैसे हैंडल करना चीए?

तब तक बेटा दो तीन टॉपिक्स जो मैं चार्ट रिवीजन के डाल रहा हूं आप अपने रिवीजन स्टार्ट कर दो रेगुलर बुक अपने सामने रखो और चार्ट रिवीजन जो है ओके मैंने जो कंप्लीट बहुत अच्छे से रिवाइज किया है आप भी एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ओके तो एक बार फिर से हमारी चार्ट रिवीजन आज से स्टार्ट हो रही है और डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैंने चार्ट की लिंक दी है अगर किसी स्टूडेंट के पास चार्ट नहीं है तो वो लिंक से वो पी डाउनलोड कर सकता है और वो चार्ट की मेरे साथ चार्ट रिविज़न कर सकता है तो बेटा ये जो चार्ट रिविज़न है इन एडिशन टू बूस्टर और फास्ट ट्रैक रिविज़न है बूस्टर रिविज़न और फास्ट ट्रैक रिविज़न ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर मैंने डाली हुई है वी स्मार्ट अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी लेकिन अब ये चार्ट रिविज़न क्वेश्चन या डिस्कशन और जितना भी डिस्कशन होगा तो सभी स्टूडेंट को यहां पे वी स्मार्ट इंटर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ये सब वी स्मार्ट इंटर के यूट्यूब चैनल पे आने वाला है तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप वी स्मार्ट सी इंटर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा वहां आपको नोटिफिकेशंस आते जाएंगे मैं डेली आपके साथ आते जाऊंगा तो मंडे से डेली हम डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे प्लस चार्ट रिविजन के लेक्चर्स भी अपलोड किए जाएंगे तो बेटा चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ट रिविजन का पहला सेशन और डिस्कशन टॉपिक होगा सप्लाई और यहां पे ये सब वीडियोस आपको मिलेंगे वी स्मार्ट के यूट्यूब सीए इंटर के यूट्यूब चैनल पे तो वहां आप सब्सक्राइब कीजिएगा सो so दोस्तों थैंक यू स्टार्ट करते हैं चार्ट रिवीजन तो क्या बेटा हम स्टार्ट करें रेडी तो आप यस का सिंबल दो ओके और हम स्टार्ट करते हैं यहां पे चलिए हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी का ये जो पहला चार्ट है ये चार्ट से बेटा वैसे तो रिवीजन या बूस्टर या फिर आपको समरी रिवीजन वगैरह में बुक्स में देता ही हूँ लेकिन ये चार्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है ये चार्ट में एक चार्ट में लगभग तीन चार टॉपिक्स है कभी कभी बहुत सारे टॉपिक एक साथ कनेक्ट होता है और ये एक साथ कनेक्ट होने के वजह से ये वॉल चार्ट में पूरा एक कंप्लीट व्यू आता है हमें कंप्लीट इनसाइट मिलता है कि ये सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी कैसी है और एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन आता है चार्ट होने के बाद कि यस यहाँ पे आ, हमारा पूरा ओके सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ जो है कंप्लीट हो रहे हैं और एक हर प्रोविजन्स कैसे कनेक्टेड है वो भी यहाँ हमारा ओके okay, डिस्कस हो रहा है तो बेटा पहला चार्ट जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर आपको याद होगा तो मैं पढ़ाते वक्त आपको यह कहता था कि जो है सेक्शन नाइन चार्जिंग सेक्शन और सेक्शन नाइन चार्जिंग सेक्शन तीन पार्ट में डिवाइड होता है ओके okay, लेवी याद आ रहा है आपको ओके लेवी कलेक्शन एंड पर्सन लाइबल टू मतलब यहां पे हमने अगर याद होगा तो लेवी कलेक्शन एन पर्सन लाइबल टू पे टैक्स कलेक्शन एन पर्सन लाइबल टू पे टैक्स थोड़ा स्टार्ट में स्लो चलेगा लेकिन धीरे धीरे मैं अपना रिविजन गेयरअप करूंगा ओके पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ठीक है सर so नब यहां पर लेवी कलेक्शन एन पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अब इसमें अगर आप देखोगे बेटा तो यहां मैंने इस चार्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया है पहला पार्ट लेवी दूसरा पार्ट जो है यहां पे नेक्स्ट कलेक्शन सेकेंड ये चार्ट में अगर देखोगे तो नेक्स्ट आएगा कलेक्शन एंड पर्सन लाइबल टू पे टैक्स हम सबसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेवी पे व्हाट्सअप uh, भी आपको नहीं दिख रहे होंगे लेकिन मैं ये चार्ट को जूम करते जाऊंगा लेवी में अगर आपको याद होगा तो इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस आई रिपीट इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस ठीक है तो यहां पे हम लेवी ये जो सेक्शन नाइन में दिया गया है इसमें व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टेट ये अंडर आईजीएसटी एक्ट डिफाइन किया गया है तो आईजीएसटी एक्ट की रिवीजन हम आगे करेंगे ओके तो इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई उसके बाद में यहां जो कवर किया है सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो सबसे पहले हम यहां फोकस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई सप्लाई और उसके बाद में गुड्स एज वेल एज सर्विसेस वर्ड सप्लाई इज डिफाइंड ओके चलिए एक बार मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाइएगा ओके द वर्ड सप्लाई इज डिफाइंड अंडर सेक्शन कौन सा बेटा सेवन ओके यस कम ऑन रिकॉल करो सेक्शन सेवन सप्लाई उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज अब यहां पे बेटा सप्लाई अगर हम बात करें सप्लाई की तो यस कम ऑन कम ऑन मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ सप्लाई में सप्लाई सेक्शन सेवन वन याद आया और दूसरा सेक्शन सेवन टू ठीक है नाउ सेवन वन में अगर आपको सेवन वन और दूसरा पार्ट सेक्शन सेवन टू सेवन टू वॉट सप्लाई एक्सक्लूड एंड नाउ सेवन वन सप्लाई इंक्लूड सेक्शन सेवन वन में सेवन वन अगर आपको होगा तो यहाँ पे विथ कंसिडरेशन कुछ याद आया क्या विथ कंसिडरेशन एंड क्या सेकेंड विदाउट कंसिडरेशन याद आ रहा है तो विथ कंसिडरेशन में सेवन वन ए एंड सेवन वन बी और यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन में यहाँ सेवन वन सी आएगा और सेवन वन सी में हम विदाउट कंसिडरेशन में जो देखेंगे ये वो एक्टिविटी ऐसी पैरा सॉरी शेड्यूल वन में कवर की है और फोर पैराज में कवर किया है जहाँ कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी सप्लाई कहा जाएगा ओके तो यहाँ सेक्शन सेवन जो बात करता है सप्लाई के बारे में बात करता है तो आगे बढ़ने के पहले हम डेफिनेशन ऑफ गुड्स और डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, बिकॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी का लेवी आएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए यहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स यहां पहली बात गुड्स का मीनिंग क्या गुड्स की ये सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है पर सेक्शन टू भी लिख दिया आपने तो भी चलेगा गुड्स मतलब गुड्स इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम ग्रोइंग क्रॉप्स Or things attached to or forming a part of land agreed to be so or under the contract of supply, but excludes money. अब ख्याल रहे गुड्स की डेफिनेशन पे मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूड किया गया है पर एक्शनेबल क्लेम प्लस ग्रोइंग क्रॉप एंड एक्सेट्रा यह स्पेशली इंक्लूड किया गया है तो एनी काइंड ऑफ मोएबल प्रॉपर्टी और एक्शनेबल क्लेम यहां स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है पॉइंट नंबर टू एक्शनेबल क्लेम यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया गया क्यों क्योंकि लॉटरी टैक्स बेटिंग टैक्स ये जो है मर्ज किया गया जीएसटी के साथ तो वो सिचुएशन में लॉटरी बेटिंग गैमलिंग पे जीएसटी लाना था तो अगर लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी लाना है तो यहां पे एक्शनेबल क्लेम को गुड्स का स्टेटस देना जरूरी था क्यों क्योंकि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग बहुत से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में यह कहा गया था कि ये यहां पे एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा इसलिए यहां उसको स्पेशली गुड्स के डेफिनेशन में लाया गया डन गुड्स के डेफिनेशन में यहाँ पे लाया गया लेकिन सभी एक्शनेबल क्लेम को उन्हें टैक्स नहीं लगाना था इसलिए यहाँ पे शेड्यूल थ्री अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो शेड्यूल थ्री में यहाँ एंट्री नंबर सिक्स में यानी पैरा सिक्स में यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम जो है एक्सक्लूड किए गए एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग और लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पर ही टैक्स रखा गया इसलिए गुड्स के डेफिनेशन में स्पेशली एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड किया गया और बाकी ग्रोइंग क्रॉप एंड यहां पे ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास वेदर थिंग अटैच टू तो लैंड और नॉट वो डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है जैसे सेल ऑफ गुड्स से एक्ट में थी लेकिन मनी को और सिक्योरिटीज को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है पर ध्यान रहे मनी के ट्रांजैक्शन गुड्स में नहीं आएंगे सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन गुड्स में नहीं आएंगे लेकिन मनी लेते वक्त या देते वक्त आई रिपीट मनी लेते वक्त या देते वक्त यहाँ जो है अगर आपने सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया तो वो जीएसटी लाइबिलिटी में आ सकता है इसलिए ओके okay, यहाँ पे अगर आपने पैसा एक्सचेंज किया ओके फॉरेन करेंसी टू डॉलर डॉलर टू फॉरेन करेंसी या फिर आपने या बड़ी नोट जो है दो हज़ार की नोट चेंज की और उसका कुछ कंसीडरेशन दिया तो वो सिचुएशन में उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है नौ ट्रांजेक्शन इन मनी में स्पेशली अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हो किसी को लोन देते हो लेते हो ये ट्रांजेक्शन इन मनी है इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा पर इसका अगर सेपरेट इंटरेस्ट लगाया गया ओके तो वो सेपरेट कंसिडरेशन जो है ओके वो सर्विस माना जाएगा जो हम सर्विस के डेफिनेशन में देखेंगे तो गुड्स के डेफिनेशन से मनी और सिक्योरिटीज जो है वो एक्सक्लूड किया गया आगे सर्विस की डेफिनेशन यहां पे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ओके आप अगर सीरियस हो तो लाइव चैट क्लोज कीजिएगा अभी आप पूरा रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा यू आर इनफ मैच्योर्ड बेटा जिसने मेरा क्लास किया हो जिसने मेरा क्लास नहीं किया हो सब सुनिए नुकसान नहीं होगा आपका फायदा ही होगा प्लीज तो अननेसेसरी यहाँ पे डिस्टर्ब ना कीजिएगा ओके बेटा नुकसान तो नहीं छोगा ठीक है तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा नाउ नेक्स्ट बेटा यहाँ अगर हम बात करें तो सर्विस की डेफिनेशन सर्विस मीन्स एनी थिंग अदर देख्स छोड़ के बाकी कुछ भी होगा प्लस मनी और सिक्योरिटीज भी एक्सक्लोड होगा यहाँ पे गुड्स को मैंने स्पेशली लिया है और यहां पर मनी और सिक्योरिटीज को लिया है ठीक है तो एनी थिंग अदर देन गुड्स वो सर्विस मानी जाएगी इसमें मैं एक बात आपको कहू कह दू कि प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन भी सर्विस में आते हैं क्यों क्योंकि यहां पे जो कहा गया कि गुड्स के डेफिनेशन में मूवेबल ही कवर किया जाएगा और सर्विस कहती है कि एनीथिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका जिसमें आगे कहूंगा कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो वो सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे और उस वो अगर सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट माने जा रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है अगर नीचे दिए गए सेक्शन सेवन की सभी कंडीशंस आप फुलफिल करते हो Now, next point, यहां पे कि anything other than goods, अभी अभी AIR जो आपके को नीथिंगल नहीं होगा और वैसे भी एडवांस को नहीं अपलिकबल होते पर आपके नॉलेज के लिए कह दू परसों की बात है और आज सुबह आप बिजनेस स्टैंडर्ड में देखते हो तो अगर कोई डेवलप करके प्लॉट सेल करता है डेवलप करके प्लॉट सेल करता है तो वो भी जीएसटी के स्कोप में आएगा मतलब क्या ये एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन नहीं क्योंकि ये आपके कोई एग्जाम को अपलीकेबल नहीं होगा वो एडवांस रूलिंग है और एडवांस रूलिंग सिर्फ उसको ही अप्लीकेबल होती है जिसको बाइंडिंग है लेकिन यहाँ के प्रशन भी सर्विस के डेफिनेशन में आते हैं लेकिन यहां शेड्यूल थ्री जो है शेड्यूल थ्री जो है यहाँ पे क्या कहा गया सेल ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आई रिपीट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है और सॉरी सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग पर जीएसटी नहीं आएगा पर सेल पे नहीं आएगा ओके और बिल्डिंग होगी तो नहीं आएगा हम आगे उसको पढ़ेंगे जब शेड्यूल हम मैं पढ़ा होगा ओके इसके अलावा बाकी ट्रांजैक्शन अगर इमोबल प्रॉपर्टी के भी हो तो वो सर्विस के स्कोप में आ सकते हैं जिससे रिलेटेड धीरे धीरे अब क्लैरिटी आ रही है उससे रिलेटेड अभी धीरे धीरे जो है रूलिंग्स भी आ रही है लेकिन एग्जाम को आपको एडवांस रूलिंग पढ़ के नहीं जाना है नाउ उसके बाद में चलो बेटा यहां जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेपरेट कंसीडरेशन मनी और सिक्योरिटी सर्विस के इससे भी एक्सक्लूड होगा बट बट ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या मनी और सिक्योरिटीज तो एक्सक्लूड कर दिया गया पर सेपरेट अगर किसी को पैसा यूज करने दिया, जिसका आपने लगाया, जिसका आपने लगाया, तो वो इंटरेस्ट या प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो है पैसा यूज करने में डिपॉजिट दिया एडवांस दिया जो भी है वो जो सेपरेट कंसिडरेशन लगाया उसके ऊपर जीएसटी आएगा सॉरी वो सर्विस माना जाएगा ओके okay. और जीएसटी के स्कोप में आएगा लेकिन यहाँ पे लोन क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है उसको बेनिफिट नहीं है तो फिलहाल बेटा हम क्या पढ़ रहे हम ये पढ़ रहे की लेवी लेवी तो है लेकिन अलग से अगर एग्जाम्शन दे दिया जाए बेनिफिट दिया जाए तो फिर फिलहाल उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं होगा दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे अगर देखेंगे हम ठीक है आ, एक एक्सप्लेनेशन सर्विस के डेफिनेशन में फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज बाय इलाफाइड दैट एक्सप्रेशन सर्विसेस इंक्लूड फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज मतलब अगर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हो गए जिसका सेपरेट ब्रोकरेज लगाया गया कमीशन लगाया गया तो वो सर्विस के स्कोप में आएगा इसका एक रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी आपको याद होगा तो इसका रिलेटेड क्लैरिफिकेशन हमने देखा था जस्ट मिनट बेटा इसका रिलेटेड क्लैरिफिकेशन हमने देखा था अगर आपको याद होगा इसका रिलेटेड क्लैरिफिकेशन कि सिक्योरिटी लैंडिंग सिक्योरिटी लैंडिंग का जो प्रीमियम है कमीशन है वो इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज है टू फैसिलिटेट द सिक्योरिटीज है और उसके ऊपर जीएसटी आएगा और अभी सिक्योरिटी लैंडिंग रिवर्स चार्ज में भी है हम आगे कवर करेंगे अगर आपको याद आ रहा होगा तो तो बेटा सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी टू फैसिलिटेट द दशन और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज ओके वो सर्विस माना जाएगा तो यहां सिक्योरिटीज एक्सक्लूड होगी पर उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है ओके okay, यहां कवर किए जाएंगे उसके बाद में बेटा यहाँ पे अगर हम आते हैं ये हमने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन देखी नाउ supply includes yeah I repeat supply includes with consideration and without consideration तो अब विथ कंसिडरेशन चार्ट में नहीं भी आ, दिख रहा होगा तो भी हम इसको आगे दो मिनट आपके पास चार्ट होगा तो आप देख रहे होंगे गए अदरवाइज में यहां सप्लाई ऑफ गुड्स विथ कंसिडरेशन। अगर आप विथ कंसिडरेशन में आओगे बेटा, तो विथ कंसिडरेशन में सेवन वन एवन वन बी सेवन वन ए क्या कहता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस मतलब ये बात हुआ सेवन वन ए में कि आप जो है किसी भी फॉर्म में ट्रांजेक्शन करो गुड्स या सर्विसेज का मतलब गुड्स यानी मोवेबल प्रॉपर्टी का किसी भी फॉर्म में ट्रांजेक्शन करो या एनीथिंग अदर गुड्स का सर्विस मतलब एनीथिंग अदर गुड्स का ओके okay, और मनी सिक्योरिटीज ये जो है इसका किसी भी फॉर्म में ट्रांजेक्शन करो वो सप्लाई माना जाएगा Such as, अब such as का अगर आप देखते हो स्टार्ट में तो बेटा सचैस मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है यानी ये एग्जॉस्टिव कंसेप्ट नहीं है ओके सचैज सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लाइसेंस लीज रेंटल डिस्पोजल ओके okay, तो यहां पे ये जो है ओके okay, तो सेल ट्रांसफर बाटर एक्शन लीज रेंटल डिस्पोजल ओके okay, ये ट्रांजेक्शन होते हैं और ये सिर्फ एग्जांपल्स है इसके अलावा कोई भी फॉर्म में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वो सप्लाई के स्कोप में आ सकता है जब तक स्पेसिफिकली एक्सक्लूड ना किया जाए या फिर यहां पे उसके ऊपर एग्जामेशन ना दिया जाए ठीक है तो वो सप्लाई के इसमें आएगा नाउ नेक्स्ट बेटा मेड और अग्रीड टू बी मेड मतलब मेड या मतलब वो ट्रांजैक्शन आपका एक्चुअली हो गया है और अग्रीड टू बी मेड मतलब वो आप अग्री कर चुके हो और आगे होने वाला है अग्रीड टू बी मेड में जहां तक की बात है बेटा तो अग्रीड टू बी मेड में एडवांसेस अगर आपको मिलते हैं तो वो भी सप्लाई माना जाएगा लेकिन मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें कहना चाहूंगा क्या तो बेटा एडवांसेस अगर आपको मिलता है तो गुड्स के केस में फिलहाल एक नोटिफिकेशन है बताइए कौन सा नोटिफिकेशन है जो एडवांस पे गुड्स के केस में जीएसटी अभी फिलहाल लेवी नहीं क्रिएट करता है बताइए मैं वेट करता हूं कौन सा नोटिफिकेशन है बेटा चलो आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाइए तो गुड्स के केस में मैं वेट कर रहा हूँ आपके नोटिफिकेशन आप बताओगे तो गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स नहीं आएगा लेकिन यस ओके सर्विस के केस में यहाँ पे टैक्स आ सकता है वेरी गुड यहाँ पे एटी सिक्सटी सिक्स बाय टू थाउजेंड सेवनटीन श्वेता करेक्ट सिक्सटी सिक्स बाय टू थाउजेंड याद है आपको तो ये जो है सिक्सटी सिक्स बाय टू थाउजेंड सेवनटीन के केस में इवन दो ओके टू बी मेड ये लेवी है वो सप्लाई माना जाएगा पर फिलहाल उसके ऊपर कोई कलेक्शन पॉइंट नहीं रखा है ठीक है लेकिन सर्विसेज के केस में अगर आपको एडवांस मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी है हम आगे टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में देखेंगे तो मेड और अग्रीड टू बी मेड वो दोनों पॉइंट उन्होंने कवर किए हैं उसके बाद में फॉर कंसिडरेशन ओके तो ये बेसिक प्रिंसिपल से किसी को सप्लाई करने के लिए मतलब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया हो या अग्री किया हो फॉर कंसिडरेशन होगा और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो जीएसटी लगाया जाएगा गवर्नमेंट का बेसिक अप्रोच यही है बेटा क्या बेसिक अप्रोच है कि यहाँ जीएसटी एक यह कमर्शियल टैक्स है और ये अगर बिजनेस हो एक्टिविटी होगी या कमर्शियल एक्टिविटी होगी जिसमें सप्लायर को पैसा मिल रहा हो तो वो कमर्शियल एक्टिविटी पे जीएसटी लगाने का गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्ट है वो बात अलग है कि जिसमें अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सिचुएशन में उन्होंने शेड्यूल वन बनाया उसमें कुछ पैरास दिए और वो पैरास स्पेसिफिक केसेस में वो जीएसटी लगाना चाहते हैं उसके अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट है लेकिन प्राइमरीली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सिर्फ जीएसटी वो केस में लगाना चाहती है जहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व है मतलब गवर्नमेंट एक फंडा पे चलती है और कौन से फंडा पे चलती है तुमको मिला तो हमको भी चाहिए ठीक है तो गवर्नमेंट जो है ये फंडा पे चलती है तो कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी आएगा इसलिए एक बात का आप ध्यान रखें या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप ध्यान रखें वैसे मैंने कुछ चैप्टर्स जो, जो है यहाँ पे आई के एडिशनल क्वेश्चन जो है डिस्कस किए जो सी ए स्टूडेंट को सबको आ, यहाँ पे काम आ सकते हैं वो क्वेश्चन सीरीज भी जरूर देखना आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी स्पेशली लास्ट के चैप्टर्स क्योंकि पहले वाले चैप्टर्स का यहां पे क्वेश्चन है डिस्कशन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं तो वो तो सेम है लेकिन लास्ट वाले चैप्टर का हमने डिस्कशन अच्छा किया है वो जरूर देखना आपको एक कॉन्फिडेंस देगा और एग्जाम में आप बूस्ट हो जाओगे कि यस यार इस तरह से हमने लिखना चाहिए वॉट इट में भी आते हैं हमारे डिस्कशन पे So, दोस्तों कंसिडरेशन होगा तो जीएसटी आएगा इसलिए अगर कोई भी फ्री सप्लाई है तो पहला थॉट यही आना चाहिए कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा अगर फ्री सप्लाई होगा और ओके वो शेड्यूल टू के अगर हम देखें तो सेवन वन सॉरी यहां पे सेवन वन सी शेड्यूल वन सॉरी नॉट शेड्यूल टू शेड्यूल वन के फोर पैरास में आता है तो स्पेसिफिक सिचुएशन में हम जीएसटी लगाएंगे ओके तो consideration, अब आपका एक सवाल आना चाहिए और वो यह आना चाहिए कि सर what do you mean by consideration? भाई फ्री, बस फ्री बोल दिया मतलब हो गया क्या ओके, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन कहा जाएगा कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है कंसिडरेशन की डेफिनेशन यहां पर दिया गया है ठीक है तो नाउ यहां पर सेक्शन 231 ओके कंसिडरेशन की डेफिनेशन उसमें दो क्लॉजेस क्लॉज ए और क्लॉज बी क्लॉज ए क्या कहता है एनी पेमेंट मेड और अग्रीड टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और सेकेंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉर बीरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ क्या बेटा ओके सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस अब थोड़ा इस बात को समझ लो वो क्या कहते हैं फॉर कंसिडरेशन मतलब आपको पेमेंट मिला पेमेंट मेड और अग्रीड टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज मतलब आपको जो पैसा मिल रहा है मनी में मिल रहा है या अदरवाइज में मिल रहा है ओके okay. और वो पैसा किस बात का मिल रहा है तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाय गिटी सप्लायर पे आ, आती है तो आपको जो भी देखना है बेटा वो सप्लायर के एंगल से देखना है इज इट क्लियर तो सप्लायर ने जो गुड्स दिया रिस्पेक्ट ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेस या इन रिस्पॉन्स टू दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और for inducement of, inducement of that supply of goods or services. Agar कोई भी पेमेंट मनी में मिलता है या अदरवाइज मिलता है तो उसे कंसिडरेशन माना जाएगा यहां से एक लिंक का जन्म होता है क्या मनी या अदरवाइज का है तो ऐसे केस में मनी में मिला तो नो no डाउट और वैल्यू तो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी अगर आपको याद होगा तो अगर मनी में नहीं मिला तो बेटा यहां पे वैल्यूएशन रूल लगते हैं और रूल ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट के केस में उस सप्लाई का वैल्यूएशन किया जाता है अगर कंसिडरेशन अदर देन मनी होगा तो वैल्यूएशन चैप्टर में It may be, for अपना सप्लाई इंड्यूस करने के लिए अगर आपको कोई कंसिडरेशन मिलता है तो वो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बुक में क्या लिया था इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद होगा तो मैंने बुक में यह लिया था बेटा कि समझ लो आ, अगर यहाँ पे आपका हाईवे कोई हाईवे पे रेस्टोरेंट है या ढाबा है और आपने किसी बस ड्राइवर को यहाँ कन्विन्स किया कि चल यार तेरी बस जो है मेरे ढाबे पे रोक मेरे यहाँ के रेस्टोरेंट में रोक और मैं तुझे फ्री खाना दूंगा फूड दूंगा या कुछ आपको फ्री गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड होगी तो तेरी बस रोकने से यहाँ पे पैसेंजर्स होंगे तो वो पैसेंजर जो है वो यहां उतरेगे और वो उतरने के बाद मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो ऐसे सिचुएशन में आपने अपना सप्लाई इंड्यूस किया और उसको आपने फूड दिया या ड्राइवर को जो फूड दिया या कोई सर्विसेज दी वो दिखने के लिए फ्री लगेगी सुनिएगा वो दिखने के लिए फ्री होगी पर रियल सेंस में वो फ्री नहीं है उसके अगेंस्ट में आपको इन रिटर्न कुछ मिला है तो वो इंड्यूसमेंट माना जाएगा नाउ नेक्स्ट बेटा यहाँ पे Uh, ये तो हमने देखा इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू लेकिन मोनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरब्यूरस अब बी पार्ट क्या कहता है गवर्नमेंट आपसे बात ये करना चाहती है मेरे थ्रू और गवर्नमेंट कहती है कि सुनो कभी कभी ट्रांजेक्शंस फ्री तो दिखते हैं पर वो रियल सेंस में फ्री नहीं होता है ओके okay, मतलब क्या दिखने पे यहाँ पे मत जाइएगा चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना मतलब ये कि कभी कभी आपने जो गुड सप्लाई किया या आपने सर्विसेस सप्लाई की उसका कंसिडरेशन आपको किसी एक्ट फॉर्म में मिल सकता है मतलब ठीक है मनी फॉर्म में नहीं मिल रहा है पर किसी एक्ट फॉर्म में मिल सकता है किसी फॉरवीरेंस फॉर्म में आपको मिल सकता है तो अब वो एक्ट या फॉरवीलेंस फॉर्म में होगा तो वो आपको यहां देखना पड़ेगा सॉरी बेटा जस्ट मिनट एक्ट या फॉर्बिर फॉर्म में आपको मिल सकता है तो अब बेटा ये एक्ट या फॉर्बिर मतलब क्या मतलब मैंने आपको कोई गुड्स दिया सर्विसेज दी और इसके गेस में आपने मुझे कुछ एक्ट करके दिया तो उसकी मोनाट्री वैल्यू कंसिडर होगी और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है ये माना जाएगा या फिर फॉर्बिरंस होगा तो फॉर्बीरेंस के केस में ओके okay, अब फॉर्बिरेंस है ने क्या मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल मेरे रेगुलर क्लास में जो दिया वही लूँगा क्योंकि आपको याद आ जाना चाहिए ओके okay, वो एग्ज़ाम्पल लिया था इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस माई वाइफ इंटीरियर डेकोरेटर और मेरे वाइफ ने यहाँ पे आपको याद होगा तो कोई एक प्रोजेक्ट लिया था नेबर्स वालों ने जो नेबर थे ओके okay, उन्हें उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया कि यार ये जो है दिन रात काम कर रहा है ओके okay, हमें प्रॉब्लम है ओके okay, तो वो सिचुएशन में नेबर्स जो थे उन्होंने जो यहाँ इंटीरियर इंटीरियर डेकोरेशन या कारपेंट्री वर्क चल रहा था उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया तो नव नेबर्स को समझाया गया और उसको कहा गया कि ठीक है हम आपको फ्री सर्विस देंगे प्लीज आप ऑब्जेक्शन निकाल लो फॉरबिरेंस अपना ऑब्जेक्शन छोड़ दो ओके okay, और आपने सोसाइटी में जो ऑब्जेक्शन लिया है वो छोड़ दो तो, तो हम आपको इन रिटर्न क्या करेंगे आपका भी थोड़ा बहुत इंटेरियर करके देंगे तो बेटा ये जो हमने यहाँ उसको सर्विस दी दिखने में फ्री है पर उसके रिटर्न में क्या हो रहा है उसके रिटर्न में वो जो है कुछ कुछ छोड़ रहा है तो वो केस में वो फ्री नहीं माना जाएगा कंसिडरेशन माना जाएगा चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं और उसके बाद में डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं यहां पे बेटा दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पे लू कि जैसे बिल्डर ओके स्लम रिहेबिलेशन है ओके okay, और स्लम रिहेबिलेशन चल रहा है और बिल्डर जो है बेटा यहां जो है उनको या भाई आप ये जगह खाली कर दो आपके जहां झोपड़िया है, है हम बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे और आपको आपकी जो जगह है उसके अगेंस्ट में एक फ्लैट जो है वो फ्लैट हम आपको अलग जगह फ्री बांध के देंगे अब एक बिल्डर उनको जो फ्री बांध के दे रहा है कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है कंस्ट्रक्शन सर्विस है तो उनको जो फ्री बांध के दे रहा है वो दिखने में फ्री है बेटा नहीं पर उसके अगेंस्ट में उसको फॉर्बिरंस यानी एक यहां पे कंसिडरेशन मिला है क्या कि जो वहां पर में रहने वाले लोग थे या वहाँ स्लम में रहने वाले लोग थे उन्होंने अपने राइट छोड़े ओके फॉरबिरंस किए तो वो सिचुएशन में उसे सप्लाई माना जाएगा ठीक है तो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे फॉरबिर उस तो आपने आपने दिया गुड्स आपने दिया सर्विस और उसके अगेंस्ट में सामने वाले ने पैसा नहीं दिया पर कुछ एक्ट करके दिया फॉर्मुलेंस करके दिया तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा नो no डाउट उसका भी वैल्यूएशन होता है ओके okay, इसके लिए सेपरेट वैल्यूएशन रूल्स है ओके okay, तो यहां आगे हम देखेंगे लेकिन कंसिडरेशन में कुछ बातें एक्सक्लूड होगी जो आपको याद रखना है कौन सी बातें एक्सक्लूड होगी बेटा सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा डिपोजिट अनु सच डिपोजिट एजन फॉर दप्लाई तो अब दो सब्सिडी जो है गवर्नमेंट से मिली गई स्पेशली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिली हुई सब्सिडी ओके वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा एग्जाम्पल मतलब आपकी फर्टिलाइजर कंपनी है और आपकी जो फर्टिलाइजर कंपनी है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर कर रहे हो अब सौ रुपये का एक एक किलो का पैक का है फर्टिलाइजर का उसमें से आप जब फार्मर को बेचते हो तो आप फार्मर को यहाँ पे सेवेंटी रुपीज़ में बेच रहे हो तीस रुपये आपको गवर्नमेंट से आता है समझ लो हंड्रेड रुपीज़ का पैकेट एम है जिसमें सेवनटी रुपीज आपको फार्मर से आ रहा है और थर्टी रुपीज़ गवर्नमेंट से आ रहा है गवर्नमेंट से ये जो थर्टी रुपीज सब्सिडी आ रही है बेटा ये थर्टी रुपीज़ पर जी नहीं लगेगा ओके क्यों नहीं लगेगा थर्टी रुपीज़ पर तो दोस्तों सुन लो यहाँ क्योंकि ये थर्टी रुपीज स्पेशली कंसिडरेशन से एक्सक्लूड किया गया है और यहां इवन दो आपके पॉकेट में सौ रुपए है सौ रुपए है सत्तर रुपए फार्मर से है तीस रुपए आपको गवर्नमेंट से मिले ऐसे सौ रुपए भी आए होंगे लेकिन आपको जीएसटी फार्मर को सत्तर रुपए पे ही लगा के देना पड़ेगा नाउ सेकंड डिपॉजिट अनलेस सप्लाई सप्लाई अप्लाईज डिपॉजिट टू कंसिडरेशन मतलब बहुत सी बार आपको कस्टमर से डिपॉजिट मिलते हैं एडवांसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं बेसिक डिफरेंस है एडवांसेस और डिपॉजिट्स में नाउ एडवांसेस मतलब आप जो सप्लाई करने वाले हो उसके अगेंस्ट में पैसा मिला हुआ है एडवांस पे यहां पे जीएसटी आता है लेकिन गुड्स के केस में इसका टाइम ऑफ सप्लाई उस दिन रहेगा जिस दिन इनवाइस इशू होगा एडवांस पे टी नहीं है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66 सिक्स बाई टू थाउजेंड सेवेंटी लेकिन सर्विस के केस में अगर आपका सप्लाई के अगेंस्ट में एडवांस मिला होगा तो उसके ऊपर टीओएस आएगा जिसके बारे में हम टाइम ऑफ सप्लाई में की okay, बात करेंगे तो बेटा मैं इन बिटवीन आपसे फीडबैक चाहूंगा स्पीड इज ओके सब ठीक लग रहा है मैं एक मिनट के लिए रुकूंगा आपका फीडबैक के लिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे वेल well, सो so बेटा यहाँ पे स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आपके पास है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अगर ये सेशन में किसी को स्पीड कम लगती है तो वो स्टूडेंट रिकॉर्डेड सेशन देखें और 1.2 की स्पीड बढ़ा कर देखें, तो ज्यादा बेटर रहेगा स्पीड, स्पीड स्लो करने का ऑप्शन से ज्यादा बढ़ाने का ऑप्शन आपके पास है ठीक है लेकिन मैं चाहता हूं कि यही स्पीड में आपको समझे भी और हम मैं सब कुछ कवर भी करूँ ठीक है नाउ नेक्स्ट यहाँ पे डिपॉजिट्स अब इसमें दो टाइप के डिपॉजिट डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं आएगा जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं वो उस पर जीएसटी नहीं आएगा एडवांसेस पे आएगा अब दो टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं एक रिफंडेबल और एक नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स तो इसके बारे में अभी तक यानी जीएसटी आने को सवा दो साल होते आ रहे हैं ओके और दो साल क्या अब तीन साल होते आ रहे हैं ये जून में तो तीन साल हो गए तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जहां तक मैं कहूँ तो अभी तक डिपॉजिट पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो बेटा फिलहाल एग्जाम में वो रिफंडेबल हो या नॉन रिफंडेबल हो के दोनों केस में आपको जीएसटी नहीं लगाना है लेकिन एग्जाम में अगर ये दिया गया हो कि डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया गया आई रिपीट डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया गया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है क्यों क्योंकि एनीथिंग अदर देन गुड्स वो प्लस शेड्यूल टू में टॉलरेंस आपको याद होगा तो शेड्यूल टू में यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है कि टॉलरेंस फॉरबीरेंस और एनी एक्ट का पैसा आपने काटा पैसा ले लिया तो वो सिचुएशन में उस पर जीएसटी आता है तो फॉरफिट करते हो तो जीएसटी आ सकता है नेक्स्ट यहाँ पे ओके okay, एक इन uh, बिटवीन की अच्छा क्वेश्चन है कनिका और आपका पूछ रहा है कि चार्ट इज इनफ फॉर एग्जाम तो बेटा मैं ये कहूंगा कि आपने अगर इसके पहले पढ़ाओ दो बार तो चार्ट रिवीजन इज इनफ चार्ट प्लस माय क्वेश्चन दैट्स इनफ उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ओके फिर से बुक भी ओपन करने की जरूरत नहीं है चार्ट से आप लिंक में आ जाओगे और मेरा क्वेश्चन साथ में पढ़ लेना दैट्स इनफ ओके चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखा इन द कोर्स ऑफ फदरस ऑफ बिजनेस ओके जो देखिए आप आपका जो भी ट्रांजेक्शन होना चाहिए सप्लायर का सप्लायर के एंगल से जब आप सेवन वन ए लगाओगे तो सेवन वन ए के सभी सप्लायर के एंगल से देखना के एंगल से नहीं तो सप्लायर ने जो आ, कि यहां गुड्स और सर्विसेज का सेल ट्रांसफर बाटर एक्शन लीज रेंटल डिस्पोजल या फिर कोई भी एक्टिविटी की हो किसी भी फॉर्म में एक्टिविटी की हो तो वो जो है फॉर कंसिडरेशन हुई है कंसिडरेशन चार पार्ट में मिल सकता है कमॉन मनी अदरवाइज एक्ट या फॉर्मीरस ओके चार्ट में यानी ये चार के अलावा मतलब ये चार में कोई प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो फ्री माना जाएगा लेकिन ये चार में से कुछ भी प्रेजेंट है मनी प्रेजेंट है अदरवाइज में प्रेजेंट है या एक्ट में प्रेजेंट है या में है, तो फिर फ्री नहीं माना जाएगा फिर उसके ऊपर जीएसटी आएगा ओके और, और ये जो सप्लाई हुआ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फदरस ऑफ बिजनेस होना चाहिए तो ही जीएसटी आएगा तो आपको जस्ट पैसा मिल गया इसलिए जीएसटी नहीं वो आपने जो ट्रांजेक्शन किया वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे लेकिन सवाल यह आता है कि बिजनेस यानी क्या बिजनेस की डेफिनेशन क्या है तो नाउ यहाँ पे बिजनेस ये डिफाइन किया गया सेक्शन 217 में और ये स्टार्ट है और कि थोड़ा मैं इंटेंशनली कह रहा हूँ थोड़ा स्लो चलेगा धीरे धीरे स्पीड जो है गिरफ होती जाएगी ठीक है तो यहाँ क्लॉज ए बिजनेस की टोटल नाइन एक्टिविटी है ये नाइन एक्टिविटी जो है मैं जैसे कहूँगा कि कुछ जनरल और कुछ स्पेशल जनरल और स्पेशल मतलब क्या जनरल मतलब आप बिजनेस की डेफिनेशन से लो गुड्स एक्ट में पढ़ लो जीएसटी में पढ़ लो या कि पुराने कोई वैट में पढ़ लो ओके जनरल एक्टिविटी बिजनेस की क्या है तो ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन एडवेंचर वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट फॉर पेक्यूनियर बेनिफिट्स पेक्यूनियर बेनिफिट हो या ना हो मतलब क्या मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो इसका एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल ये है और क्लियर मैसेज है गवर्नमेंट का और वो ये है कि अगर आपको यहाँ पे चरिट, आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट होगी तो उस पर भी जीएसटी आ सकता है अगर उसको कोई एग्जाम्शन ना दिया हो अगर आपको एग्जाम्शन याद होगा तो चैरिटेबल ट्रस्ट की सभी एक्टिविटी को एक्सम्शन नहीं है सिर्फ जो चैरिटेबल एक्टिविटी है उसकी लिस्ट दी है उसमें उसमें आपको याद होगा तो योगा वगैरह भी आता है ठीक है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी वगैरह भी आती है तो वही आपको एग्जम्शन दिया गया मतलब ओ, आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड बेनिफिट नहीं है लेकिन आपके ऊपर जीएसटी आ सकता है अगर स्पेसिफिकली एग्जम्शन ना दिया हो तो बेटा यहाँ पे ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर प्रोफेशन वोकेशनल एक्टिविटी एडवेंचर वेजर ये सभी बिजनेस में आएंगी सेकेंड बी और बी एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन टू इंसिडेंटल टू और एंसल टू क्लॉज ए मतलब क्या मतलब बहुत क्लियर है कि अगर क्लॉज ए की एक्टिविटी चल रही है तो उसकी इंसिडेंटल एक्टिविटी एक्टिविटी साथ साथ में में okay. साथ में में बिजनेस बिजनेस आएगी आएगी ओके उसकी कनेक्टेड इसका एक एग्जांपल मैं देखता हूं वो क्या कि अगर आपकी शॉप में जो मैं क्लास के एग्जांपल ही लूंगा कुछ नए नहीं, नहीं दूंगा क्योंकि मैं क्लास के एग्जाम्पल इसलिए लूंगा कि आपको वो सब रिकॉल हो जाना चाहिए इज इट क्लियर तो बेटा यहां पे नेक्स्ट क्लास के एग्जाम्पल क्या है तो क्लास के यहाँ पे आपने शॉप आप बिजनेस मेन आप बिजनेस कर रहे हो क्लोजे में उसके साथ साथ ट्रेड कर रहे हो उसके साथ साथ शॉप की रद्दी है स्क्रैप है ओके तो आपके शॉप में न्यूज़पेपर पेपर आती है उसकी रद्दी है तो वो रद्दी जो है आप बेच रहे हो तो वो यहाँ पे कनेक्शन इंसिडेंटल और एनसू क्लॉज ए माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा आप स्क्रैप बेच रहे हो ओके आप कोई फर्नीचर बेच रहे हो जो आपकी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है प्रोफेशन नहीं है पर उससे कनेक्टेड है तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा वो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी और यहाँ जो है ओके क्लॉज बी में आएगी एक एग्जाम्पल फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे जो पुराना सीएसटी का केस था क्योंकि दिस क्लॉज भी बरोड फ्रॉम सी एस टी कि यहाँ पे तिरुपति बालाजी तिरुपति बालाजी में यहाँ जो लड्डू लड्डू के लिए दो सौ रुपये पाँच सौ रुपये जो भी चार्ज लिए जाते थे तो उसके ऊपर CST डिपार्टमेंट ने जो आज भी केस जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है CST डिपार्टमेंट ने उस लड्डू पे टैक्स लगाया था कि भाई आप ये फॉर कंसिड्रेशन बेच रहे हो इसलिए इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा लेकिन वो केस लड़ी गई थी और वो इस बात पे लड़ी गई थी कि हमारी जो मेन एक्टिविटी है वो बिजनेस में नहीं आती है भाई यहाँ पे जो लोग आते हैं एक श्रद्धा भाव से आते हैं और वो भगवान के दर्शन करने आते हैं और वो मेन एक्टिविटी बिजनेस नहीं है तो ओके उससे रिलेटेड लड्डू सेल करना भी बिजनेस नहीं कहा जाएगा क्यों लड्डू सेल करना बिजनेस नहीं कहा जाएगा क्योंकि क्लॉज बी में दिया गया है और वो कि वो जो एक्टिविटी इन कनेक्शन टू इंसिडेंटल टू ए होना चाहिए मतलब सबसे पहले तो आपने ए फॉलो करना चाहिए और ए के साथ साथ अगर कोई इंसिडेंटल होती है तो ही बिजनेस के स्कोप में ली जाएगी तो हमारा ए जो है ए यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है ओके okay, तिरुपति बालाजी केस में ए प्रेजेंट ही नहीं है मेन कोई बिजनेस ही नहीं है तो उस ओके okay, लड्डू सेल करना वो एंसिलरी एक्टिविटी सेल करना ओके okay, वो बिजनेस नहीं माना जाएगा आपके समझने के लिए नो डिस्कशन लेकिन ये पुराना केस था जैसे आपके समझने के लिए दिया सी देखो यहाँ पे एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर सब क्लॉज ए वेदर और नॉट इन वॉल्यूम फ्रिक्वेंसी और कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजक्शन मतलब यह कि अगर कोई एक्टिविटी आप वॉल्यूम में नहीं कर रहे हो फ्रिक्वेंसी में नहीं कर रहे हो लेकिन इन द नेचर ऑफ ए है मतलब ट्रेड प्रोफेशन वोकेशन कॉमर्स के नेचर से आई है तो वो यहां पे जहाँ तक है ओके वो भी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी एग्जाम्पल के तौर पर आपकी मोबाइल शॉपिंग है और आपकी मोबाइल शॉपिंग में आपने जो है फटाफट सुन लो आपके मोबाइल शॉपिंग में आपने, आपने क्या किया है आपने यहां पे Uh, पूरा दो पाँच साल छः साल से आप बिजनेस कर रहे हो एक अच्छा एक्सपीरियंस आया है और आपने क्या किया कोई दूसरा नया बंदा जो है वो मोबाइल शॉप ही डालना चाहता है उसको कंसल्टेंसी दिया अब कंसल्टेंसी देना देना आपका मेन ट्रेड नहीं है प्रोफेशन नहीं है लेकिन आपके ट्रेड से एक नॉलेज आया हुआ है और आपने किसी को कंसल्टेंसी दिया फॉर कंसिडरेशन कि मोबाइल शॉप ही कैसे सेटअप किया जाए और उसका पैसा लिया तो वो आप वॉल्यूम में नहीं कर रहे हो फ्रीक्वेंसी में नहीं कर रहे होगे पर यहां पर बेटा वो जो है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी क्यों क्योंकि वो इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए है नाउ डी डी एक्टिविटी सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज कनेक्शन विद कमसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस ये वाला पॉइंट फिर से एक बार समझ लो मतलब क्या आप कोई भी गुड्स खरीदते हो इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स या सर्विसेस खरीदते हो और बिजनेस कमेंस होने के पहले ओके यहां पे

आईटीसी मिलेगा जो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है और डेफिनेशन भी यही कहती है इनपुट्स कैपिटल गुड्स की तो अब कभी-कभी जो है हमने अभी तक हमारी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की है, जैसे एक है, बहुत सारी रहा है, रहा है और business, तो क्या वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा क्लोजर ऑफ द बिजनेस आपने अपनी फैक्ट्री शॉप क्लोज कर दी तीन साल से आप नहीं चला रहे हो कोई ट्रेड नहीं कर रहे हो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपने अपना जो ट्रेड क्लोज कर दिया वो ट्रेड क्लोज करने के तीन साल बाद उसके कोई गुड्स बेचे ओके okay, गुड्स पड़े थे शॉप में उसके कोई गुड्स बेचे या कोई फर्नीचर बेचा तो आफ्टर क्लोजर ऑफ बिजनेस अगर कोई एक्टिविटी होती है तो क्या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी यस yes, उसके बाद में तो बेटा ये जो चार एक्टिविटी है ए बी सी डी ये तो मेन एक्टिविटी एंसिडेंटल इन ओके इन द नेचर ऑफ या हमने कोई गुड्स खरीदा बिफोर और आफ्टर क्लोजर ये तो जनरल एक्टिविटी है लेकिन कुछ स्पेशल एक्टिविटी जो है वो जीएसटी परपज के लिए सुनना कुछ स्पेशल एक्टिविटी जीएसटी पर्पज के लिए बिजनेस कहा गया है प्रोविजन बाय क्लब एसोसिएशन सोसाइटी और एनी सच बॉडी ऑफ फैसिलिटी और बेनिफिट फॉर इट्स मेंबर मतलब क्या कि okay, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे डिसीजन है कि भाई क्लब और मेंबर या यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन और उसके मेंबर ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव माने जाएंगे सेपरेट नहीं माने जाएंगे पर जी ने यह स्पेशली अपने एक्ट में रखा क्या अपने स्पेशल एक्ट में रखा बेटा अपने स्पेशल एक्ट में जी में उन्होंने ये रखा कि भाई बाकी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ भी कहा होगा अगर क्लब अपने मेंबर को कोई फैसिलिटी या बेनिफिट्स देता है जिसका सब्सक्रिप्शन लेता है या कंसीडरेशन लेता है ओके यहाँ स्पेसिफिक वो वर्ड है जिसका सब्सक्रिप्शन या कंसीडरेशन लेता है वो बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी ओके या एसोसिएशन या सोसाइटी जो है अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो वो बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी अब यहाँ पे नेक्स्ट बेटा पर हाउसिंग सोसाइटी का एक एग्जम्पन है या बिजनेस एक्टिविटी तो है लेवी तो है सप्लाई तो बोला जाएगा पर एग्जम्पन भी है और ख्याल रहे एग्जम्पन उसे ही दिया जा सकता है जिसके ऊपर लेवी है कुछ याद आया जिसके ऊपर लेवी है उसको एग्जम्पन दिया जा सकता है तो दोस्तों यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा यहाँ कि नेक्स्ट हाउसिंग सोसाइटी होगी तो हाउसिंग सोसाइटी 7500 से ज्यादा मंथली मेंटेनेंस होगा और वो अपने मेंबर से ले रहा होगा पर मंथ पर यूनिट पर मेंबर तो वो सिचुएशन में एक ओके okay, ज्यादा होगा तो टैक्स आएगा 7500 या उससे कम होगा तो टैक्स नहीं आएगा ओके okay, तो वो हम एग्जामिशन में हमने बाद में हम देखेंगे जब एग्जामिशन का रिविजन करेंगे उसके बाद में बेटा नेक्स्ट यहाँ पे एफ admission for a consideration of person to any premises ha huh. अगर कोई प्रिमाइसिस में एंट्री का पैसा है टिकट चार्जेस है तो वो टिकट चार्जेस आपका कोई स्पेशल इवेंट हो रेगुलर नहीं कंटिन्यूस नहीं पर कोई स्पेशल इवेंट है और जिसके टिकट चार्जेस लगाए हो तो उस पर भी जीएसटी आएगा उसके बाद में जी सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन एज अ होल्डर ऑफ ए ऑफिस विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ अदरस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन और वोकेशन मतलब क्या उसके प्रोफेशन या उसका ट्रेड या उसका वोकेशनल एक्टिविटी वो इन कोर्स उसने अगर कोई ऑफिस होल्ड करके रखा है मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं जो है मेरा प्रोफेशन है कि मैं एज अकाउंटेंट जीएसटी की कंसल्टेंसी देता हूं और मैं सीए होने के वजह से ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे मैं सीए होने के वजह से कोई आ, यहां पे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है या फिर कोई एसोसिएशन है और उसका चेयरपर्सन मुझे अपॉइंट किया गया उसका यहाँ पे डायरेक्टर मुझे अपॉइंट किया गया या कोई कंपनी का डायरेक्टर मुझे अपॉइंट किया गया तो वो ऑफ़िस जो मैंने होल्ड किया है क्यों क्योंकि वो ऑफिस मैं इसलिए होल्ड किया क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ माय प्रोफेशन है और उसका कोई ऑननरी अमाउंट मिल रहा है उसका कुछ भी पैसा मिलता है तो वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा वो मेरा प्रोफेशन नहीं है वो ऑफिस होल्ड करना पर उसका कोई ऑननरी अमाउंट भी मिलता है तो उसके ऊपर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा उसके बाद में एच एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय ऑफ टोटल सेटर और लाइसेंस बुक मेकर और एक्टिविटीज़ ऑफ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब सिंपल वे में कहूँ तो क्लब की सभी एक्टिविटी इंक्लूडिंग टोटल एक्सेट्रा वो सभी एक्टिविटी यहाँ पे कवर किया जाएगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और आय वाला क्लॉज समझ लो एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल ऑथॉरिटी इन विच देज एजॉरिटी अब मेरी बात समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल ऑथॉरिटी की क्यों ना पब्लिक सर्विसेस हो एज ए पब्लिक ऑथॉरिटी हो क्यों ना वो पब्लिक सर्विसेस हो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मानी जाएगी पहला थॉट वो सप्लाई माना जाएगा क्यों ना वो पब्लिक सर्विसेस हो लेकिन नाउ मैं आगे पढ़ाऊंगा कुछ एक्टिविटी सेक्शन 72 में लूट की है आर्टिकल 243w वगैरह की और बहुत सारे एक्टिविटीज को एक्जंपशन दिया है तो पहला थॉट तो आपका यही आना चाहिए कि गवर्नमेंट की कोई भी एक्टिविटी जो है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है क्यों ना वो पब्लिक सर्विसेज हो और यहां बेटा ओके okay, अगर उसको एक्सक्लूड किया होगा आदर यहां पे सेक्शन सेवन टू में या फिर एग्जामेशन दिया होगा तो ही जीएसटी से बचेगा अदरवाइज जीएसटी से नहीं बचेगा दोस्तों तो तो ये था तो ये था यहां पे बिजनेस की डेफिनेशन हमने चार पार्ट देखे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अब इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दू वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास मेरी कार ओन पर्सनल कार है बिजनेस की कार नहीं है और मैं बिजनेस अपनी कार जो है बेच रहा हूं किसी और को तो ऐसे केस में यहां सीबीआईसी सी का कहना है कि अगर आप अपनी पर्सनल कार मोबाइल बाइक कुछ भी बेचते हो तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा क्यों क्योंकि आपने वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है बिजनेस का पार्ट नहीं है ओके ना कनेक्टेड टू बिजनेस है ना इंसिडेंटल टू बिजनेस है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा इवन दो आपने कार 50 लाख की बेची 20 लाख से ज्यादा है और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों ओके ये बात समझ में आई दूसरी बात आप पर्सनल ज्वेलरी बेचते हो तो जीएसटी नहीं आएगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा पर ख्याल रहे ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लायर के एंगल से देखना है के एंगल से नहीं क्योंकि हो सकता है जिसको आप जिसको आप आप ज्वेलरी बेच बेच रहे रहे हो हो कार उसका काम है बिजनेस करना पर उससे मुझे लेना देना नहीं है आपको जो यहां सोचने का ढंग लेना है आपका परसेप्शन जो है वो सप्लायर के एंगल से होना चाहिए और सप्लायर का वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है ठीक है अब बिजनेस की डेफिनेशन आपको डायरेक्ट कभी नहीं पूछेंगे कि भाई डिफाइन द बिजनेस की डेफिनेशन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप सिर्फ पॉइंट याद रखना पूरा डेफिनेशन लर्न नहीं करना है ठीक है ये हमने देखा आ, और कुछ क्लैरिफिकेशन है जो कहे गए कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं पर कुछ एग्जाम्पल लेके मैं हर कंसेप्ट का एक एक ही एग्जाम्पल लेके मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा और मेरी इस रिवीजन के बाद ओके आप मुझे ये वादा करो कि इमीडिएट वो चैप्टर आप क्वेश्चन एयर से भी खत्म कर दोगे यानी फटाफट आपका ओके चार्ट रिविजन भी हो गया और क्वेश्चन एयर भी आपने फटाफट खत्म कर दिया चलिए उसके बाद में इम्पोर्ट ऑफ सर्विस सेवन बी में आते हैं ओके सेवन वन बी में यहाँ गौरव यहाँ मैं कह चुका हूँ कि मैं थोड़ा स्लो चलूंगा कि आज के फर्स्ट सेशन में और दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे कि जिसको ये स्लो लग रहा है वो बाद में स्पीड में देख सकते हैं वो ऑप्शन ऑलवेज है ठीक है तो यहाँ आगे बढ़ते हैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेस सेक्शन सेवन वन बी तो ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्या तो यहाँ पे आ, ये जो सेवन वन बी वाला पार्ट है इन्होंने स्पेसिफिकली रिसिपियन एंगल से रखा तो दोनों में क्या फर्क है सेवन वन ए और सेवन वन बी सेवन वन ए जो सप्लायर डिफाइंड हुआ वो सप्लायर के एंगल से और सेवन वन बी जो डिफाइन हुआ वो रिसिपियन के एंगल से डिफाइंड हुआ है नाउ इंपोर्ट ऑफ सर्विस लाइबिलिटी रिसिपियन पे रखिए रिवर्स चार्ज में लेकिन क्या है एक थोड़ा सा एक लाइन में बता देता हूँ कि जो सर्विस ले रहा है अब बेटा हम जब भी वर्ड सप्लाई आता है सप्लाई आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि आप कुछ दे रहे हो सप्लाई कर रहे हो लेकिन यहां पे सेवन वन बी में जो सर्विस ले रहा है तो जो सर्विस इंपोर्ट कर रहा है वो लेने वाले का सप्लाई माना जाएगा तो स्पेसिफिकली सेवन वन बी में उन्होंने डिफाइन किया और ये सर्विस के लिए ही डिफाइन किया गुड्स होगा तो गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट आई रिपीट गुड्स होगा तो गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट और कि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और एस वी थ्री वन वगैरह लगता है लेकिन यहाँ सर्विस होगी तो वो स्पेशल यहाँ जी एस टी आएगा और यहाँ उसके ऊपर सप्लाई मानकर आई जी एस टी लगाया जाएगा

के यहां पे कुछ पे कर रहा है अब कंसिडरेशन में मनी अदरवाइज एक्ट या फॉर्मुलस इन चारों में से कुछ दे रहा है ओके सामने वाले को तो रिवर चार्ज में लाइबिलिटी आएगी दूसरी बात में आपको कहूँ इन द कोर्स ऑफ अदरस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और नॉट मतलब दोनों मतलब बिजनेस के लिए लिया अब लेने वाले के एंगल से देखना लेने वाले के एंगल से वो बिजनेस के लिए लिया हो तो भी जीएसटी आएगा और बिजनेस के लिए ना भी लिया हो तो जीएसटी आएगा हाँ ये बात ख्याल रहे कि बिजनेस लेने वाले ने बिजनेस पर्पज के लिए नहीं पर्सनल के लिए लिया हो, तो भी जीएसटी देना पड़ेगा क्यों क्योंकि गवर्नमेंट का फंड है यहां बहुत क्लियर है कि आप पर्सनल के लिए ले रहे हो लेकिन सामने वाला तो बिजनेस कर रहा है देखा कोविड 19 में कैसे बहुत से नेटफ्लिक्स का बिजनेस बढ़ गया ओके आपने पर्सनल मूवी देखी होगी लेकिन सामने वाला तो जो है यहां पे बिजनेस कर रहा है इसलिए गवर्नमेंट बहुत क्लियर है लेने वाला पर्सनल पर्पज के लिए भी ले रहा होगा तो भी जीएसटी आएगा पर इसके साथ एक एग्जामेशन है क्या ओके एग्जामेशन अगर आपने देखा हो तो एक एग्जामेशन चैप्टर में पढ़ना या हम आगे कवर करेंगे अगर सप्लायर बाहर है और रिसिपियन इंडिविजुअल है सुनना रेसिपियन इंडिविजुअल है और वो जो सर्विस ले रहा है अदर देन फॉर बिजनेस ले रहा है या इंडिविजुअल गवर्नमेंट है चैरिटेबल ट्रस्ट है ओके uh, okay, तो अदर देन बिजनेस ले रहा है तो वो सिचुएशन में एक्सम्शन दिया गया है इट्स अ सप्लाई वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है लेकिन फिलहाल उसको एग्जामेशन है जो हम बाद में देखेंगे चलिए तो यहां हमने खत्म किया बेटा ओके सेवन वन बी अब आते सेवन वन सी में कमॉन कमॉन मेरे साथ आ जाओ यहां पे सेवन वन सी में सप्लाई गुड्स और सर्विसेज विदाउट बात खत्म सप्लाई है अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है ओके okay, इधर नहीं आने का इधर कब आने का जब ट्रांजेक्शन में यहां ट्रांजेक्शन हुआ है कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है ओके कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर से कहता हूं सभी फ्री सप्लाई टैक्सेबल नहीं है अगर आप ये फोर में आते हो तो ही टैक्सेबल होगा आई रिपीट तो ही टैक्सेबल होगा तो नाउ पहला शेड्यूल वन, वन, ये याद रखना शेड्यूल वन पैरा वन ये शेड्यूल याद रखने पड़ेंगे आपको अब शेड्यूल वन पैरा वन क्या कहता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असिट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच परमानेंट पर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आई टी सी हैज बिन टेकन पहली बात तो कह दूँ इन्होंने कैपिटल असेट नहीं कहा है बिजनेस असेट कहा है तो और दूसरा परमानेंट ट्रांसफर का है क्योंकि टेम्पररी ट्रांसफर तो सर्विस होती है ओके परमानेंट ट्रांसफर का है तो बेटा यहाँ पे अगर आपने बिजनेस की कोई भी असेट यानी आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में आने वाला ऐसा हर वो गुड्स जो मूवेबल है इमोएबल का सवाल ही नहीं है ठीक है पर हर वो गुड्स जो मूवेबल है और वो बिजनेस असेट आपने ट्रांसफर कर दी जिसका आईटीसी आपने लिया हो तो वो फ्री दे दिया तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा अगर किसी को भी फ्री दे दिया तो एक एग्जाम्पल ओके okay, मेरे यहां कंप्यूटर पड़े हैं okay, और वो कंप्यूटर का आईटीसी मैंने लिया था तो आईटीसी अगर ले लिया और वो मैंने आपको य, किसी को फ्री दे दिया ओके चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया तो वो सिचुएशन में यहां पे ओके इवन दो फ्री होगा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है पर अपने जेब से जीएसटी देना पड़ेगा नाउ बिजनेस असेट की अगर हम बात करें तो बिजनेस असेट पे मैं छोटा सा स्पेशल डिस्कशन करूँगा और सप्लाई ये चैप्टर थोड़ा बहुत आपको स्लो भी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने भी बहुत बार पढ़ा है लेकिन मैं अपने यही स्पीड से जाऊँगा ओके और आपको सच में ये चार्ट रिविजन का फायदा हो जाएगा ठीक है तो अब सेकंड बेटा मैं आपको ये लेना चाहूंगा कि यहाँ पे स्टॉक पे बात करेंगे देख ठीक है आपने फर्नीचर बेचा आपने कार बेची जिसका आईटीसी लिया हो। आपने आईटीसी नहीं लिया होगा और किसी को फ्री बांट दिया तो गवर्नमेंट को उससे लेना देना नहीं है गवर्नमेंट को प्रॉब्लम तभी है जब आपने आई लिया तो ही आपका फ्री सप्लाई जीएसटी में आएगा हम स्पेशली स्टॉक की बात करेंगे मेरा कोई बिजनेस का स्टॉक पड़ा है ओके okay, और बिजनेस का स्टॉक जो है वो मैंने फ्री गिफ्ट में बांट दिया ओके okay. बिजनेस का स्टॉक बेटा मैंने फ्री गिफ्ट में यहाँ रख दो यहाँ दो ने वो एक कप में लेके कप में ऐसा मत लेके हाँ वो वैसा नहीं आएगा चाय आई है ठीक है तो अभी तो रिकॉर्डिंग बेटा घर पे स्टूडियो में ही चालू है क्योंकि पूरा हमारा जो बिजनेस प्रीमाइस है यानी प्रेस्टीज पॉइंट वो पूरा बंद है सब ठीक चल रहा है आप रिस्पॉन्स देते जाओ कोई सोया तो नहीं बेटा मैं स्टूडियो में हूं आप मेरे सामने नहीं हो ठीक है तो कोई सोया तो नहीं है चलिए हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन भी है कि आपने यस गौरव टी आ जाएगी आप पीलो और इमेजिन करो कि मैं यहां से भेज चुका हूं ठीक है तो चलिए हाँ अब मैं स्टॉक के बारे में बात करूंगा यहां पे बेटा ऐसा है कि आ, एक क्लरिफिकेशन भी आया कि आपने अगर कोई गुड्स फ्री बांट दिया गिफ्ट दे दिया अब कोई स्टॉक में आपका मेन गुड्स है स्टॉक में बढ़ा था फ्री दे दिया गिफ्ट दे दिया तो क्या करें हम क्योंकि सेवनटीन फाइव ब्लॉक क्रेडिट जो है ब्लॉक क्रेडिट यह कहता है कि अगर आप फ्री गिफ्ट बांटते हो ओके okay, तो वो सिचुएशन में उसका आईटीसी नहीं मिलेगा और साथ साथ में यह पैरा भी यह कहता है कि आपने अगर कोई भी बिजनेस असेट फ्री दे दी तो वो सप्लाई माना जाएगा तो सवाल यह खड़ा हो गया कि हम सप्लाई कहें या फिर ब्लॉक क्रेडिट में ओके okay, उसका आई रिवर्स करें ओके okay, तो थोड़ा सिचुएशन को समझ लेना अगर आपने कोई गुड्स खरीदा और आई ले चुके हो सुनो आई ले चुके हो तो सेवनटीन फाइव क्लॉज एच नहीं लगाओगे क्योंकि आप आई ले चुके हो और आई आप ले चुके हो तो वो सिचुएशन में वो सप्लाई माना जाएगा और वो सप्लाई मान पे उसके ऊपर जीएसटी लगाओगे आई रिपीट उसके ऊपर जीएसटी लगाओगे अगर आई आप ले चुके हो तो ऐसे केस में सर आई हम रिवर्स कर सकते हैं क्या तो क्लैरिफिकेशन ने यह कहा कि नहीं आप अगर आईटीसी ले चुके हो तो वो सप्लाई मानो और उसका वैल्यूएशन सेक्शन 30 के हिसाब से करो सॉरी रूल 30 के हिसाब से करो जो सीए फाइनल पे इंटर लेवल पे नहीं ओके फाइनल रूल 30 में 110 परसेंट ऑफ उसकी कॉस्ट यानी वो थोड़ा पॉकेट को यहाँ पे पिंच करेगा 110 परसेंट ऑफ कॉस्ट यानी सुनिए आपने अगर वो गिफ्ट सौ रुपए का खरीदा होगा तो एक सौ दस रुपये उसका वैल्यू करो और एक सौ दस को सप्लाई मान के जीएसटी दो और आपका आईटीसी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आप सप्लाई मान रहे हो लेकिन आपने उसका आईटीसी नहीं लिया पहले से नहीं लिया तो फिर उसको 17.5 में उसका आईटीसी ब्लॉक मतलब लेना ही मत फिर अगर आई टी आप लोगे ही नहीं तो फिर यहां पे वो सप्लाई नहीं माना जाएगा एक बार फिर से दो मिनट में दो पार्ट आईटीसी ले लिया तो फिर सप्लाई वैल्यूएशन रूल थर्टी ओके जीएसटी पे करो आईटीसी कंटिन्यू रहेगा और आपने पहले से नहीं क्योंकि आपको पहले से बता दें फ्री सैंपल है गिफ्ट है इसका आईटीसी ले ही मत यार ओके तो फिर आपको ओके okay, कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा जीएसटी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने आईटीसी लिया ही नहीं और 17.5 फाइव के हिसाब से वो ब्लॉक क्रेडिट में चल जाएगा इज इट क्लियर ओके आई होप यू अंडरस्टूड ओके हां तो आईटीसी अब आप एक बेटा सवाल ये भी आ सकता है कि सप्लायर ने जो है अभी ये चार्ट रिवीजन है इसलिए आपके डाउट्स जो है हम बाद में देखेंगे मैं टाइम दूंगा कि सेशन के एंड में पर पहले मैं रिवीजन खत्म कर देता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि सर आईटीसी तो सामने वाले ने दिया तो मेरे टू में अपडेट होगा होगा बेटा टू में अपडेट होने दो ना लेकिन आपने थ्री में क्लेम नहीं किया टू ए में अपडेट हो गया मतलब ले लिया ऐसा थोड़ी है ओके okay, आपने थ्री बी में पहले से क्लेम नहीं किया तो सवाल ही नहीं फिर तो ये आई टी सी नहीं लिया तो ये पैरा ही नहीं अप्लीकेबल होगा चलो आगे बढ़ते हैं यहां पे आई होप uh, रंजित यहाँ पे आपको समझ में आएगा नेक्स्ट सेकेंड पैरा टू सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंग पर्सन थोड़ा ये पॉइंट का समझना

या फिर आप यहाँ पे अलग स्टेट में आपकी कोई ऐसा प्लेस है जो आपका आपने रजिस्टर्ड नहीं किया होगा पर अदर स्टेट में ट्वेंटी फाइव फाइव में तो वो भी डीम डिस्टिंग पर्सन माना जाएगा क्यों क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपकी जस्ट ऑफिस होगा अदर स्टेट में तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है आपको प्लेस ऑफ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और आपके अगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस है तो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा पर मेरा एक है, 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 वहां से कोई नहीं है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन वो अदर स्टेट में एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से यहां पर डीम डिस्टिंग पर्सन माना जाएगा इवन दो इट इज नॉट रजिस्टर्ड चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट बेटा रिलेटेड पर्सन रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंग पर्सन में बेसिक डिफरेंस है कि डीम डिस्टिंग पर्सन मेरी ही ब्रांच है जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है या अदर स्टेट में है और रिलेटेड मतलब वो मेरी ब्रांच वगैरह नहीं है एक सेपरेट एंटिटी है आई रिपीट एक सेपरेट एंटिटी है जिसका सेपरेट पैन है पर हम कैसे तो भी रिलेटेड है कैसे रिलेटेड है तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन यहाँ नीचे दी गई है चार्ट के अगर आप यहां देखोगे तो रिलेटेड तो पर्सन की डेफिनेशन क्या है हुँ. यहां पे डीम टू बी रिलेटेड इफ सच पर्सन ऑफिसर्स डायरेक्टर्सन डायरेक्टर्स मतलब दोनों कंपनी के कॉमन डायरेक्टर्स ऑफिसर हो गए तो दोनों कंपनी रिलेटेड मानी जाएगी या okay, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं तो कंपनी और मैं रिलेटेड मानी जाएगी हाँ इसका सेकेंड मीनिंग ये भी आता है कॉमन डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ओके okay, ऑफ वन एन बिजनेसेस मतलब क्या मतलब कंपनी और डायरेक्टर ये रिलेटेड माने जाएंगे या फिर दो कंपनी के कॉमन डायरेक्टर्स भी रिलेटेड माने जाएंगे नेक्स्ट सच पर्सन आर लीगली रिकोगनाइज एज ए पार्टनर इन द बिजनेस मतलब दो अलग अलग कंपनी या दो अलग अलग बिजनेस एंटिटी कई तीसरी पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस चला रही है पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस चला रही है तो वो दोनों मिलके कहीं पे इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पे भी बिजनेस चला रहे हैं इसके वजह से दोनों पार्टी रिलेटेड मानी जाएगी तो ये दोनों पार्टी जो है इन दोनों में अगर ट्रांजेक्शन होता है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना जाएगा नेक्स्ट अ पर्सन डायरेक्ट सॉरी सच पर्सन आर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए एक प्रोविजो भी है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हो गए तो वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे उसके बाद में पर्सन person डायरेक्टली or इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल or hold 25 or परसेंट outstanding voting आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक इन them ऑफ ये बोथ ऑफ लेना मतलब सप्लायर एंड रिसीपिएंट इन दोनों में किसी तीसरे ने यहां परसन का मतलब कोई तीसरा और किसी तीसरे ने दोनों में 25 परसेंट से ज्यादा स्टेक रखा है ओके okay, समझ लो मैं और आप Okay, हम दोनों में किसी तीसरे ने ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा स्टेक रखा है तो हम दोनों रिलेटेड माने जाएंगे और हम दोनों में अगर कोई सप्लाई होता है तो उस पर जीएसटी आएगा अब एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे ओके okay, मैं ये क्लास में भी लेता हूँ मैं और मेरा साला ओके okay, मैं, मैं और मेरा साला हम रिलेटेड कैसे क्योंकि मेरे वाइफ ने हम दोनों में मोर देन 25 परसेंट से स्टेक रखा है इसलिए मैं और मेरा साला रिलेटेड माना जाएगा फनी एग्जांपल है पर जस्ट आपको बता रहा हूँ तो ऐसी बहुत सी कंपनीज होती है कि किसी तीसरे ने दोनों में ट्वेंटी से ज़्यादा चाहिए नेक्स्ट वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स दैन अदर होल्डिंग सब्सिडरी है उसके बाद में कंट्रोल अदर बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन हाँ अब ध्यान सुनना अब किसी तीसरे का किसी तीसरे का हमारे दोनों के कंपनी में कंट्रोल है पर डायरेक्ट नहीं है डायरेक्ट स्टेक नहीं है पहले वाले एग्जांपल में डायरेक्ट स्टेक है ट्वेंटी फाइव परसेंट है उससे ज़्यादा ओके दूसरे वाले एग्जांपल में ओके उसके कंट्रोल इस तरह से किसी तीसरे की सब्सिडरी है उसकी सब्सिडरी है ओके जिसका कंट्रोल आप में है और उसके सब्सिडरी का दूसरे सब्सिडरी का कंट्रोल मेरे इसमें है तो कहीं तो भी इनडायरेक्ट कंट्रोल आ रहा है पर कोई तीसरा ओके इनडायरेक्ट कंट्रोल हमारे में रख रहा है तो हम दोनों में अगर कंट्रोल रखे तो हम दोनों रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे और टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओके कंट्रोल थर्ड पर्सन और दे आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली या दोनों मिला के अगर साथ में दोनों मिला के यहाँ पे आ, कोई थर्ड कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो रिलेटेड माने जाएंगे तो पहले वाले एग्जांपल में उसमें क्या डिफरेंस है पहले वाले एग्जांपल में हम दोनों को सप्लायर रिसिपियन को कोई तीसरा कंट्रोल कर रहा है और हम दोनों अभी किसी तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो केस में रिलेटेड माना जाएगा इज इट क्लियर बेटा और मेम्बर ऑफ सेम फैमिली ये डेफिनेशन पढ़ के जाना फैमिली की डेफिनेशन अगर यहाँ पे सुनिए ओके फैमिली के डेफिनेशन में ब्रदर सिस्टर फादर मदर ये फैमिली की इसमें तभी आएगी अगर ये डिपेंडेंट हो गए आई रिपीट ये डिपेंडेंट हो गए तो ही फैमिली में आएंगे अदरवाइज ओके स्पाउस यानी मैं मेरी वाइफ और यहाँ पे सन ये फैमिली के डेफिनेशन में आता है ब्रदर सिस्टर या पेरेंट्स जो है ये फैमिली के डेफिनेशन में तभी आएंगे जब वो डिपेंडेंट हो गए ठीक है वो डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाना उसके बाद में आ, यहाँ पे आते हैं चलो ये हमने शेड्यूल वन कंप्लीट किया ओके पैरा सॉरी शेड्यूल वन का पैरा टू अब ये पैरा टू पे आ जाते हैं पैरा टू क्या कहता है पैरा टू ये कहता है यहाँ पे हाँ एक क्वेश्चन आया मैं दो मिनट में जवाब दे देता हूँ ट्वेंटी फाइव परसेंट का स्टेक दोनों में चाहिए मतलब एक में आ, के, आ, दोनों मतलब सप्लाई रिसिपियन अब किसी तीसरे ने मेरे इसमें थर्टी परसेंट है पर तुम्हारे इसमें पांच परसेंट है तो हम रिलेटेड नहीं है किसी तीसरे ने दोनों में ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा होगा तो रिलेटेड माना जाएगा ओके okay, ओके तो अब मेन मेन पार्ट पार्ट पे आते हैं okay, है कि आपने रिलेटेड पर्सन को फ्री दिया गुड्स और सर्विस दोनों भी सुनो गुड्स और सर्विस फ्री दिया या डीम डिस्टिंग पर्सन को गुड्स और सर्विस फ्री दिया तो वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा ओके okay, पर वो जो फ्री दिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आपने दिया नेक्स्ट गिव बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मोर देन फिफ्टी थाउजेंड इन अ फिनेंशियल ईयर ओके वो सप्लाई अगर पचास हजार से ज्यादा होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा उसका ऐसा भी पढ़ना है कि अगर ओके पचास हजार और उससे कम आपने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया इन अ फिनेंशियल ईयर मतलब पर एम्प्लॉय फाइनेंशियल ईयर आपने कोई गिफ्ट दिया अपने एम्प्लॉय को क्योंकि वो दोनों रिलेटेड पार्टी है पर आपने एम्प्लॉय पे खुश हो गए और आपने एम्प्लॉय को फ्री दे दिया ओके कुछ गिफ्ट जैसे मैंने बाइक फ्री दे दी पर बाइक समझ लो थर्टी थाउजेंड की पचास हजार से कम है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा Okay, यह पचास हजार क्राइटेरिया है मतलब क्या अगर आपका इनअ फिनेंशियल ईयर पचास हजार से ज्यादा जाता है अस्सी हजार का गिफ्ट जाता है तो टोटल अस्सी हजार रुपये जीएसटी आएगा बी केयरफुल टोटल अस्सी हजार रुपये गिफ्ट जीएसटी आएगा अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, को कोई फ्री गिफ्ट देता है मे गुड्स मे बी सर्विस सर्विस भी उसमें कवर किया जाएगा और सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स ओके तो जिसकी वैल्यू पचास हजार से ज्यादा होगी ठीक है चलिए नाउ नेक्स्ट पैरा थ्री सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट हु अंडरटेक्स द सप्लाई ऑन द बी ऑफ प्रिंसिपल और बाय एजेंट टू इज प्रिंसिपल व्हेन एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन द बी ऑफ प्रिंसिपल अब सुनिए यहाँ पे फटाफट ओके ये क्या कह रहा है ये यह ये पे कह रहा है बेटा कि प्रिंसिपल ने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया मैं एक वर्ड पे ध्यान लाना चाहूंगा स्टॉक ट्रांसफर क्यों क्योंकि हम ये पैरा में मतलब विदाउट है प्रिंसिपल ने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया ओके जो आगे वो एजेंट प्रिंसिपल के ब्याप पे बेच रहा है तो ऐसे केस में ये सप्लाई ये प्रिंसिपल ने एजेंट को जो सप्लाई किया वो जीएसटी के स्कोप में आएगा लेकिन यहाँ एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आपको याद होगा कि एजेंट आगे क्या कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कमान कमान एजेंट आगे क्या कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंट आगे अगर खुद का इनवाइस बना रहा होगा और एजेंट आगे खुद का इनवाइस नहीं प्रिंसिपल के इनवाइस पे बेच रहा होगा ओके okay, तो एजेंट जो है क्या कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंट अब आते हैं खुद का इन्वाइस बना रहा है तो क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि एजेंट आगे बेचते वक्त खुद के इनवाइस में बेच रहा होगा तो फिर यहां पे बोलो क्या होगा अगर वो खुद का इन्वाइस बेच रहा होगा तो मतलब खुद का इन्वाइस बना के बेच रहा होगा तो यस बेटा मैं आपसे आंसर चाहूंगा फटाफट करेक्ट गौरव वो सप्लाई माना जाएगा तो एजेंट जो है ओके अगर आगे बेचते वक्त खुद का इन्वायस बना रहा है तो ये जो स्टॉक ट्रांसफर है प्रिंसिपल टू एजेंट आई रिपीट प्रिंसिपल टू एजेंट जो स्टॉक ट्रांसफर है इस पर जीएसटी आ जाएगा और वो सप्लाई माना जाएगा और यहां जो एजेंट खुद का इनवाइस बना रहा है वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में है सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में लेकिन दूसरी बात ध्यान से सुनो अगर यहां पे एजेंट जो है एजेंट खुद का इन्वॉइस नहीं बना रहा है और वो प्रिंसिपल के इनवॉइस में बेच रहा है तो वो पैरा थ्री के एंट्री में नहीं आएगा ओके okay, वो प्रिंसिपल के इनवॉइस में बेच रहा है तो ऐसे केस में पैरा थ्री के एंट्री में नहीं आएगा स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा वो केस में यहां पे प्रिंसिपल टैक्स कब देगा प्रिंसिपल जब स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है तब टैक्स नहीं देगा प्रिंसिपल टैक्स देगा जब एजेंट ने माल बेचा और उसके कस्टमर को उस वक्त लाइबिलिटी प्रिंसिपल पे आएगी उस वक्त टाइम ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल का आएगा और प्रिंसिपल को गुड्स पे टैक्स देना पड़ेगा और एजेंट जो है जो एजेंट ने कमीशन कमाया बेटा उस कमीशन पे ही एजेंट का टैक्स लगेगा ओके आई होप यू अंडरस्टूड लेकिन रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया और एक बात कह दूं मैं यहां पे जितने भी जीएसटी के क्लैरिफिकेशन है उसके दो सेशंस मैं अपलोड करूंगा सभी क्लैरिफिकेशन एक जगह मैंने फटाफट एक्सप्लेन किए आप उसको स्पीड बढ़ा के फटाफट एक बार अच्छे से उसको समझ सकते हो जितने भी क्लैरिफिकेशन है तो डोंट वरी फॉर दैट ओके तो यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ इन्वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एजेंट क्या कर रहा है दूसरा एजेंट टू प्रिंसिपल होगा हाँ अगर यहाँ पे एजेंट टू प्रिंसिपल है बहुत सी बार एजेंट ओके okay, बाय करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल बाय करते मतलब ओके okay, वो खरीदते हैं और फिर अपने प्रिंसिपल को सप्लाई करते हैं तो अगर एजेंट इनवाइस दे रहा है प्रिंसिपल को तो ट्रांजैक्शन बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा और वो इन्वाइस नहीं दे रहा है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा तो इन्वायस का ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है चलो यह था एजेंट वाला भी क्लैरिफिकेशन वो अच्छे से पढ़ के जाना कि कब डेल क्रेडिटरी एजेंट का वैल्यू में एड होगा कब ऐड नहीं होगा मुझे लगता है आपके एग्जाम में डेल क्रेडिट एजेंट पे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है तो डेल क्रेडिट वाला वो क्लैरिफिकेशन okay, वो भी अच्छे से पढ़ के जाना है उसके बाद में फ्रॉम एनी ऑफिस अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अब ये चौथा पैराग्राफ जहां कंसिडरेशन नहीं होने के बाद भी जीएसटी लाइबिलिटी आई स्पेशली इंपोर्ट से रिलेटेड मतलब इंडिया में कोई भी सर्विस कर, इंपोर्ट करता है और कंसिडरेशन होगा तो इधर ही जाने का सेवन वन बी में जाने का फिर वो आपकी रिलेटेड पार्टी हो आपकी ब्रांच हो कंसिडरेशन है ना बस यहां आने का और यहां सप्लाई सेवन वन बी का सप्लाई क्योंकि कंसिडरेशन है अगर कंसिडरेशन नहीं है और आपने सर्विस इंपोर्ट की कंसिडरेशन नहीं है तो इधर आने का अब यहां पर जब आप इधर आओगे बेटा अब सुनो कंसिडरेशन नहीं है तो अब जब आप इधर आओगे तो यहां हर इंपोर्ट सर्विस हर इंपोर्ट सर्विस सप्लाई नहीं है वही इंपोर्ट सर्विस सप्लाई है जो आपने बाहर से ओके रिलेटेड पर्सन से ली या आपके अपने खुद एस्टेब्लिशमेंट से ली आपकी ब्रांच से ली और वो आपने विदाउट कंसिडरेशन ली पर बिजनेस के लिए लिया ओके okay, यानी फिर से समझ लो अगर इंपोर्ट सर्विस में कंसिडरेशन नहीं होगा आई रिपीट इंपोर्ट सर्विस में कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो केस में जीएसटी नहीं आएगा ओके okay. लेकिन अगर आपने अपने रिलेटेड पार्टी से ली और आपने रिलेटेड पार्टी से या अपनी एस्टेब्लिशमेंट से लिया फ्री लिया और बिजनेस पर्पस के लिए लिया तो ही उसे सप्लाई मान के जीएसटी लगाया जाएगा ये पॉइंट आप ध्यान रखना है ओके okay, तो चलिए ठीक है तो ये हमने डिस्कशन किया यहां रिगार्डिंग टू पैरा फोर तो ये फोर पैरास हमने देखे डीम डिस्टिंग पर्सन की डेफिनेशन हमने यहां पे देखिए बेटा तो चलो ये फोर पैरास यहां पे हो गए अब शेड्यूल टू में हम बाद में जाएंगे यहां सेवन टू में आते हैं वाट वाट सप्लाई एक्सक्लूड्स ओके सप्लाई एक्सक्लूड्स में यहां पे देखो शेड्यूल थ्री पहले हमारी स्टोरी लाइन चलो आपको याद होगा तो हमारी स्टोरी लाइन एम्प्लॉयर कोर्ट में गए गे। तो, उसके बाद में एम पी एम एल ए की सिफारिश ली एमपीएल की सिफारिश लिया पर कोर्ट का रिजल्ट नहीं आया कोर्ट के रिजल्ट का राह देखते यहाँ पे कोर्ट के डिसीजन का राह देखते देखते चल बसे फ्यूनरल ब्यूरल पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था और वो लैंड एंड बिल्डिंग लॉटरी बेटिंग गैमलिंग में जीती गई थी लॉटरी बेटिंग बाहर के बाहर खेली गई थी और झगड़ा इंडिया में आने के बाद हुआ था ठीक है तो ये स्टोरी लाइन पे हम चलते हैं चलिए तो अब देखिए यहां पे पहला एम सर्विस बाय एन एम्प्लॉय

यहां पे या एम्प्लॉयर सर्विसेज दे रहा है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने रेंट पे अपना फ्लैट दे दिया एम्प्लॉय को तो वो जो है एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को कुछ देता है और जिसकी वैल्यू पचास हजार से ज्यादा है तो टैक्सेबल है वो सप्लाई माना जाएगा यहां किसको एक्सक्लूड किया एम्प्लॉय ने सर्विस दी एक सुनो सुनो एम्प्लॉय ने सर्विस दी किसको दिया एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट तो वो एक्सक्लूड किया गया अब यहां पे एग्जांपल है तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब सैलरी मैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है सैलरी सैलरी मिल रही है तो ये केस में बेटा सैलरी पे जीएसटी नहीं आएगा और ख्याल रखना जीएसटी में जब भी ये याद रखना कि जिसको पैसा मिलता है वो ऑलवेज सप्लायर है और जो पैसा दे रहा है वो रिसिपियंट है क्योंकि पैसा सर्विस का ही दिया जाता है तो या एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है सैलरी मिल रही है तो वो सप्लायर है और एम्प्लॉयर है लेकिन वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसलिए सैलरी पे जीएसटी नहीं आएगा वेजेस पे जीएसटी नहीं आएगा ठीक है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या एक एग्जाम्पल लेता हूं इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में बेटा एग्जाम्पल यहां पे कि यहां आ, 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 यहां प्री मैच्योर कम्पन्सेशन मतलब प्री मैच्योर टर्मिनेशन का कम्पनसेशन मतलब यहाँ पे वो एग्जांपल ऐसा है कि मेरा अपने एम्प्लॉयर के साथ बॉन्ड हुआ कि वो मुझे दो साल रखेगा ओके okay, दो साल का बॉन्ड है लेकिन मेरे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज भी रखा है कि अगर मुझे जल्दी निकाल दिया गया दो साल के पहले अगर मुझे निकाल दिया गया तो मुझे वो तीन महीने की सैलरी यहाँ पे कंपनसेशन देगा

तो अब एक फंडा तो गवर्नमेंट का है तुमको मिला तो हमको भी चाहिए तो गवर्नमेंट कह रही है कि दो लाख रुपया है, है क्या है ओके तो क्या कंपेंसेशन जो मिला क्या जीएसटी आएगा क्या पहली बात ये सर्विस है क्या सर्विस तो ओपन है क्या एनीथिंग अदर देन गुड्स तो आपको जो पैसा मिला ओके okay, सर्विस के डेफिनेशन में आ सकता है पर शेड्यूल थ्री क्या कहता है अगर यह पैसा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिला होगा तो जीएसटी नहीं आएगा और सेक्शन सेवन टू ओवर राइडिंग इफेक्ट है ओवर राइडिंग मतलब यहां कह दिया एक्सक्लूड मतलब एक्सक्लूड वो सप्लाई नहीं है बस खत्म वो बीच में ही मत लाना सर पहले तो आपने कहा था सर्विस एनीथिंग अदर देन गुड अरे सर सेल उन्होंने यहां कह दिया एक्सक्लूड मतलब एक्सक्लूड दैट्स ऑल तो वो सिचुएशन में यहां पे बेटा जहां तक देखा जाए तो ये जो कंपेंसेशन मिला प्री मैच्योर टर्मिनेशन का वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिला ओके तो वो सिचुएशन में यहां पे जीएसटी नहीं आएगा एक एग्जांपल फटाफट लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल बेटा वो है नॉन कॉम्पिट फीस का नॉन कॉम्पिट फीस मतलब मेरा एक अच्छा एम्प्लॉय है ओके और वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा डिजाइनिंग करता है मेरे बुक में सब ग्राफिक्स डिजाइन करता है और मेरे बुक के ग्राफिक्स डिजाइन बेटा ओके वो हमने ड्रॉ किए कहीं कॉपी नहीं किए हमने डिजाइन किए हुए हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो और वो जो है मेरे बुक का ताजमहल बांधता है वो पूरा ताजमहल बनाता है मेरे बुक का ओके तो अब ऐसे केस में वो छोड़ के जाने वाला है ओके तो मैं हाथ तो नहीं काटूंगा ओके तो एग्जाम्पल है लेकिन बेटा अब मेरा दुख तो हो रहा है कि यार वो एम्प्लॉय मेरा जा रहा है लेकिन ठीक है उसने अपना सौ कर दिया लेकिन यह हुआ कि उसने वो छोड़ के जब जा रहा तो मैंने उसका ऑफर दिया देख भाई तो ये जो वर्क है सी ए सी एस सी एम ए कोर्स में किसी के पास नहीं करेगा कोई फैकल्टी के पास नहीं करेगा तो उसने कहा सर इसके लिए आप मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो उसके लिए मेरा क्या तो मैंने कहा तुझे पचास लाख देता हो पर यहाँ तू इन तीनों फील्ड छोड़ के बाकी कोई भी वर्क कर सकता है तो उसने पचास लाख लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है फॉर टॉलरेंस फॉर बिल्स ओके कुछ याद आ रहा है शेड्यूल टू तो वो जो पचास लाख है वो पचास लाख ओके टैक्सेबल हो गए वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं माने जाएंगे ठीक है उसके बाद में बेटा नेक्स्ट

ओके okay, तो यहाँ शेड्यूल वन के हिसाब से सुनना

तो फिर इवन दो मैं फूड कैटरिंग सर्विस एम्प्लॉयर फ्री दे रहा है एंप्लॉय को लेकिन शेड्यूल थ्री में एंप्लॉय के एंगल से देखा जाए तो उसको वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा चलिए उसके बाद में नेक्स्ट बेटा कोर्ट या ट्रिब्यूनल की कोई भी सर्विस यहाँ सप्लाई नहीं मानी जाएगी सप्लाई नहीं मानी जाएगी ओके जैसे हाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल छोड़ के आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये प्राइवेट ट्रिब्यूनल है ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल के डेफिनेशन में नहीं आता है ठीक है उसके बाद में फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपी एमएलए ओके ड्यूटीज़ फ्रॉम इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या फिर ड्यूटीज बाय पर्सन इन बॉडी एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट बाय डायरेक्टर और चेयरपर्सन और मेंबर तो वो सिचुएशन में जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे वो सर्विस uh, से एक्सक्लूड किया जाएगा एम पी एम एल ए की सर्विसेज एक्सेट्रा हाँ सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल ब्यूरल क्रिमिटोरियम मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज वो भी एक्सक्लूड होगा तो भाई गवर्नमेंट कहती है जाते जाते अच्छे से जा भाई तू जीएसटी का बर्डन क्यों तो फ्यूनरल की सर्विस देने वाला कोई होगा ओके okay, तो यहाँ पे शमशान पे जो भी सर्विसेज मिलेगी उसका कोई चार्जेस लगता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन उसके बाद में हा नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग

अच्छा दूसरी बात आपके नॉलेज के लिए बता दूं लैंड एंड बिल्डिंग के कोई दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी जैसे टॉवर है और कोई टॉवर है इमूवेबल है है कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू पर अगर वो सेल करता आइडिया सेल करता है, है एयरटेल सेल करता है जियो सेल करता है तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है देखते आगे क्या डिसीजन आता है पर उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है लेकिन अगर आप कोई बिल्डिंग सेल कर रहे हो और आपका सेल कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज भी पैरा सॉरी शेड्यूल टू पैराफाइव क्लॉज बी में आता है आपका कोई बिल्डिंग सेल करने का तरीका कॉन्ट्रैक्ट इस पैरा बी में आता है ऑफ शेड्यूल टू तो फिर वो शेड्यूल थ्री से एक्सक्लूड नहीं होगा उसके ऊपर जीएसटी आएगा हम मैं आपको फाइव बी में पढ़ाऊंगा इंटेंडेड फॉर सेल आई रिपीट क्या इंटेंडेड फॉर सेल ओके अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके ऊपर जीएसटी आता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे उसके बाद में बेटा नेक्स्ट एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैमलिंग मैं कह चुका हूं एक्शनेबल क्लेम इवन दो गुड्स के डेफिनेशन में है लेकिन शेड्यूल थ्री से एक्सक्लूडेड होगा ओके okay, फिलहाल उसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा पर तीन एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी आएगा लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग तो इतनी इंटरेस्ट जो है ये शेड्यूल थ्री की है और यहाँ इसको एक्सक्लूड किया गया है तो इन दिस वे हमने यहाँ सेक्शन सेवन वन ए सेवन वन बी सेवन वन सी और सेवन टू देखा आज का सेशन जो है ठीक है तो यहाँ देखो बेटा ये सेशन में हमने आ, थोड़ा स्लो चले मैं धीरे धीरे गेयर अप करूँगा ओके और हम अच्छे से पढ़ेंगे पर आज जिसने भी लाइव सेशन किया है उनको अगर स्पीड स्लो लगती है तो बेटा वो रिकॉर्डेड सेशन स्पीड बढ़ाने के मतलब बाद में भी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं चलिए तो यहाँ मैं पाँच मिनट और रुकता हूँ आपके कोई डाउट्स जो मुझे लगे कि मैंने कंसिडर करना चाहिए तो मैं कंसिडर करूंगा अदरवाइज सेशन आज का सेशन यही रुकता है कल टाइमिंग यही रहेगा बट अगर चेंज होगा तो आप मेरा लाइव सेशन का लेबल देख लेना उस पर टाइम दिया जाएगा ठीक है तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो आई होप ये रिवीजन आपका अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली ये बेनिफिशियल भी रहेगा आपको हाँ भारती आई सी सेल जो है वो उस पर ए सी डी थ्री सेवन लगता है और यहाँ पे आई सी सेल पे जीएसटी एक्ट के तहत कोई टैक्स नहीं लगेगा वो एक्सक्लूड होगा शेड्यूल थ्री का पॉइंट वन तो बेटा यही है कि एम्प्लॉय ने कोई सर्विस एम्प्लॉयर को दी और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा हाँ बेटा कुछ नहीं मुझे बारह से चौदह घंटे लगेंगे रोज के हम आज मैंने डेढ़ घंटा लिया कल दो घंटा बढ़ा देंगे पर मिनिमम डेढ़ घंटा तो हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा डोंट वरी ठीक है अजीम इट्स गुड यस जवन स्पीड ओके बहुत बढ़िया बेटा ब्रदर रिलेटेड में तभी कवर होगा बेटा यहाँ पे अगर अजय कि वो अगर डिपेंडेंट हो तो यस yes, आशीष अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पचास हजार के ऊपर दिया और वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो कवर्ड नहीं हो तो वो सिचुएशन में यहाँ पे शेड्यूल वन पैरा टू के तहत वो सप्लाई माना जाएगा नीरज एमसीयू क्यू कर हम एम सी क्यू सीरीज चालू करेंगे सी ए फाइनल लेवल पे और एम सी क्यू सीरीज का मैं अनाउंसमेंट करूंगा हम डेफिनेटली एम सी क्यू भी डिस्कस करेंगे पर थोड़ा बेटा मुझे जो है यहाँ पे इंटर फाइनल ये सब क्लासेस मैनेज करना है तो मैं आपको बताऊंगा एक दो दिन में अनाउंस करूँगा जवन ज़, इन फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए ओके okay, बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी करें इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई भी इंसिडेंटल एक्टिविटी करते हो जो हो सकता है आज बिजनेस के लिए जरूरी ना हो पर आगे फ्यूचर बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी हो तो वो जो है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिया जाएगा शुभम हर के झाड़ पे हम लेंगे हम अब साथ में है तो हम वो सॉन्ग लेंगे जरूर लेंगे आप एंजॉय करोगे नहीं बेटा ई एम आई अगर आपने क्रेडिट कार्ड का लिया होगा तो क्रेडिट कार्ड पे टैक्स है बाकी पे नहीं लगा सकती वो उर्जिता मेमोरी टेक्निक जो है यहां ओके शेड्यूल थ्री की एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ दोनों कोर्ट में गए अपना जो झगड़ा सॉल्व करने के लिए एम पी एम एल ए की सिफारिश ली लेकिन कोर्ट का जजमेंट आने के पहले चल बसे क्योंकि इंडिया में जजमेंट आने को टाइम लगता है पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था जो लैंड एंड बिल्डिंग लॉटरी वेटिंग गैमलिंग में जीती गई थी झगड़ा इंडिया के बाहर हुआ बाहर के बाहर हुआ लेकिन इंडिया में आने के बाद झगड़ा हुआ ऐसे आप स्टोरी लाइन याद रख सकते हो भाग्यश्री सर्कुलर का लेक्चर में एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा सभी सर्कुलर्स मैंने एक साथ डाले हैं आप स्पीड में सुन सकते हो सर्कुलर आपको दिक्कत नहीं जाएगी यस प्रियंका आई टोल्ड यू क्यू एंड ए सीरीज अपलोड की है क्वेश्चन आंसर सीरीज आप uh, देख सकते हो वी स्मार्ट के चैनल पे एमसीक्यू की सीरीज हम चालू करेंगे नहीं बेटा वो डायरेक्टर रेमुनरेशन पे जीएसटी का जो क्लैरिफिकेशन आया था वो विद्रॉ हो गया है okay, डायरेक्टर रेमुनरेशन सिर्फ जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर ही टैक्स लाइबिलिटी आई थी तो वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था वो विद्रॉ हो गया है कमल लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग में पैसा लगाना जैसा आप आपने सौ रुपए की लॉटरी खरीदी उस पर भी जीएसटी है और आप अगर उससे दस करोड़ जीत जाते हो तो वो दस करोड़ पे भी जीएसटी है गैम्बलिंग करते वक्त या बेटिंग करते वक्त दस रुपए का बेट लगाया आपने उस पर भी जीएसटी है और दस आपका घोड़ा जीत गया आपका जो हॉर्स है हॉर्स रेसिंग में घोड़ा जीत गया तो उसका आपको सौ रुपये मिलेंगे वो सौ रुपये पे भी जीएसटी है एडवांस अभी अभिनय एडवांस किसका गुड्स का होगा तो उसकी लाइबिलिटी तब आएगी जब इन्वाइस बनेगा और सर्विस की लाइबिलिटी तब आएगी तब उस अ, अगर सर्विस का एडवांस होगा तो फिर एडवांस पे लाइबिलिटी आएगी नहीं नहीं आ, भार्गवी आ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन ये है कि सर हमारा टेम पोस्टपोन्ड हो गया तो कट ऑफ डेट भी पोस्टपोन होती है क्या मतलब थर्टी फर्स्ट अक्टूबर की जो कट ऑफ डेट है क्या वो दो आगे बढ़ जाएगी क्या तो नहीं ऐसा नहीं होता बेटा थर्टी फर्स्ट अक्टूबर दो हजार उन्नीस ही आपकी कट ऑफ डेट रहेगी क्योंकि पेपर ऑलरेडी ड्राफ्ट हो चुके हैं बन चुके हैं हाँ शुभम चाय की जगह काढ़ा ले रहा हो कोविड नाइन्टीन है काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ती है तो यहाँ पे यस ओके ये काढ़ा ले रहा हो तो इससे इम्यूनिटी भी रहेगी आप भी लो अपने सभी प्रिकॉशनरी मेजर फॉलो करो आ, और बेटा अभी पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है कि अपनी इम्यूनिटी का पूरा ध्यान दो थैंक यू राहुल थैंक यू हरदीप uh, थोड़ा ये क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे पूछो नहीं नहीं सर्विस प्रोवाइडेड बाय आई थोड़ा क्लैरिफिकेशन दो बेटा आनंद सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग दोनों भी सेल होगा तो एग्जम्प्ट रहेगा लेकिन कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड फॉर सेल बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो वो टैक्सेबल रहेगा आकाश और मैं सबके लिए कह दूं कि आज का रिवीजन खत्म है मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस और डाउट आपके साथ बातचीत कर रहा हूं तो बाकी स्टूडेंट जो ये डाउट क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो वो एग्जिट uh, हो सकते हैं सेशन खत्म हो गया सेशन इतना ही रहेगा धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे ठीक है बेटा यूडीएफ और पीएसएफ की अमेंडमेंट देखो यहां पे अमन वो अमेंडमेंट्स में कवर किया है तो अमेंडमेंट आप देखिएगा बेटा नैन्सी एक्शनेबल क्लेम जो है इंटरनेट पे सर्च करो आपको अच्छे से डेफिनेशन मिल जाएगी थोड़ा आप तो सर्च करो ओके okay, कुछ रिसर्च हमने भी कर लेना चाहिए ठीक है अमृता थैंक यू आ, छवि कस्टम के एमसीक्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट वी स्मार्ट अकेडमी डॉट कॉम स्लैश विशाल सर पे आपको मिल जाएगी उसकी पीडीएफ फाइल वो कस्टम्स के एमसी क्यू जो है वो पीडीएफ में मैंने दी है तो उसकी पी डी एफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो थैंक यू शुभम थैंक यू सी यू टुमारो जिनके क्वेश्चन है वही यहाँ कनेक्टेड रहे बाकी स्टूडेंट एग्जिट कर सकते हैं या जो सुनना चाहते हैं वो कनेक्टेड रहे बेट कनिका डिपॉजिट जो है यहाँ पे ध्यान से सुनना डिपॉजिट मतलब क्या हो जाता है जैसे हमारी फ्रेंचाइज हम जब फ्रेंचाइजी देते हैं तो हम कुछ डिपॉजिट रखते हैं डिपॉजिट ऐसे रखते हैं कि भाई सामने वाले ने अगर फ्यूचर में पैसा नहीं दिया तो ओके या बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर का डिपॉजिट रखती है क्यों क्योंकि उनको क्रेडिट लाइन दिया जाता है बहुत सी ट्रेनिंग दी जाती है उनको इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं तो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं दूसरा एक सिंपल एग्जांपल हो ना आपने रेंट पे लिया घर घर रेंट पे लिया तो आपका जो लैंड है वो डिपॉजिट मांगता है कल जाके आपने घर में कुछ गड़बड़ कर दी तो तो वो जो उसको डिपॉजिट मिला अब कैसा है गवर्नमेंट का तो क्लियर फंड है आपको पैसा मिला तो हमको भी चाहिए पर डिपॉजिट मिला तो ये रिटर्नेबल है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा पर डिपॉजिट फिलहाल तो यही व्यू व्यूलो कि रिफंडेबल हो या नॉन रिफंडेबल हो अगर डिपॉजिट होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा डिपॉजिट फॉरफिट हो गया आकाश तो वो टॉलरेंस या फॉरब में सर्विस माना जाएगा और जीएसटी लग जाएगा चांदनी थैंक यू कल मिलते हैं एम्प्लॉ हाँ, ने एम्प्लॉयर को कोई गिफ्ट दिया तो एक क्वेश्चन अच्छा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया सॉरी em, ने एम्प्लॉयर को को तो बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और रिलेटेड माने जाएगे, अब ने को कोई गिफ्ट दिया तो वो टैक्सेबल हो सकता है क्योंकि शेड्यूल थ्री में वो ही एक्सक्लूड होगा जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है अब वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं मैंने एम्प्लॉय उसने गिफ्ट अलग से दिया अपने एम्प्लॉयर को तो उसको तो पचास हजार की भी लिमिट नहीं है क्योंकि पचास हजार की लिमिट एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय है अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है अंडर रिलेटेड पार्टी क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड माने जाते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी आता है बस सिंपल वे में समझ लो इसके आगे कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप पे बी एस 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 आर काढ़ा मतलब क्या तो वो अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है अननेसेसरी क्वेश्चन मत आशु बिल्कुल बिल्कुल और चार्ट रेफर कर सकते हो चार्ट लगभग वैसा ही है अमेंडमेंट्स देख लेना साथ साथ में प्राची थैंक यू ग्रेट प्राची ग्रेट नैन्सी थैंक यू अंकित व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डालो हाँ कमल एम्प्लॉय जो गिफ्ट है कैश में दो या काइंड में दो उसकी मॉनेटरी वैल्यू पचास हजार से ज्यादा होगी तो जीएसटी आ जाएगा प्रीटी डॉट ऑड कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है नवंबर ट्वेंटी के लिए अगर आपने ऑप्ट आउट ऑप्शन ले लिया होगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है सभी अमेंडमेंट कोविड 19 के वजह से पोस्टपोन्ड हो गई है हरदीप हरदीप आपका क्वेश्चन आप जो मेरा आईसीए का एडिशनल क्वेश्चन सीरीज है आ, वो जरूर देखो डिमांड चैप्टर का आपके क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाएंगे और वैसे भी जरूर देखना क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने ठीक है अनमोल मैं देखता हूं चलो आपके तो क्वेश्चन यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट हो गए चलो यहाँ पे सप्लाई लाइसेंस फॉर अल्कोहलिक लीकर इस पे क्लैरिफिकेशन आया बेटा स्टेट गवर्नमेंट की लाइसेंस फीस होगी अल्कोहलिक लीकर पे तो वो एक्सक्लूड किया गया है हम देखेंगे आगे रिवीजन में तो बेटा यहाँ रुकते हैं ऑल द बेस्ट अच्छे से पढ़ो और कल चार बजे ही पर टाइम अगर चेंज हो जाता है तो आज वो लेवल पर आपको दिख जाएगा अगर मिस हो गया तो रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है डन रिया थैंक यू चलो यहां रुकते हैं बेटा